तो जैसे आप समझ सकते हैं एक मटका है और उसके अंदर एक छेद हो गया है और आपकी सारी की सारी एनर्जी कहीं ना कहीं से लीक होती जा रही है ये स्ट्रेस जो होता है ये आपको सबसे ज्यादा आपके पेट में महसूस होता है और कई लोग बहुत अच्छी तरह उसको मास्क करते हैं खासकर एंग्जाइटी वाले लोग वो एंग्जाइटी का सबसे बड़ी चीज होती है कि वो आपको पकड़ता है और आपका डायामीटर ऑफ रेडियस ऑफ गोइंग आउट छोटा करता जाता है जितने तक आप अपने कमरे में लौटना हो अपने साथ एक अल्कोहल

क्लिनिकल और स्पिरिचुअल होलिस्टिक दोनों का जब पावर मिला क्योंकि हर ट्रीटमेंट से एक सिद्धि मिलती है हिप्नोथेरेपी इतना पावरफुल टूल है कि जैसे कि जो फार्मेसी है एक तरह का बहुत बड़ा बिजनेस है का हाथ कट गया है वहाँ पे कोई फर्स्ट एड नहीं है तो हिप्नोटाइज करके उसका ब्लड स्टॉप कराया जाता है

हेलो नमस्ते सत श्रीकाल वड़क्कम एंड डिया विच माय नेम इज योगी राज एंड यू आर वाचिंग योगी टॉक शो आज एक और टॉक शो की सीरीज के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि स्पेसिफिकली जो हमारे एन लोग हैं वो बहुत ही कम वैल्यू देते हैं तो ये जो टॉक शो है इस टॉक शो का हमारा यही पर्पज़ है कि हम लोगों के सामने इस बात को लेके आएं कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आप सीरियस हों और उसको समझें तो उसी सीरीज में हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ यह है कि हमारे पास दोनों साइड का ज्ञान है एलोपैथी और मॉडर्न साइंस का और जो हमारे हजारों स्क्रिप्चर्स हैं सनातन धर्म के उनका भी तो इन दोनों का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना मुझे वो ब्लेंचस्टाउन की इस छोटी लोकेलिटी में जो है एक ऐसी हमारी पर्सनैलिटी रहती हैं जिनका नाम है बिंदु मल्होत्रा जी और उनको मैं बहुत सालों से जानता हूं और वो जो है फेमस हैं इस चीज़ के लिए कि वो उनको अपने आप को मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट और स्पिरिचुअल कोच बताती हैं और उन्होंने सैकड़ों जो है पेशेंट के साथ डील किया हुआ है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम डील की हैं तो उनको जहाँ एक एनआरआई कम्युनिटी का ज्ञान है दूसरा हमारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्म कुमारी से वो जुड़ी हुई हैं तो उनको उसकी भी नॉलेज है राज योगा जो है ब्रह्म, ब्रह्म कुमारी का जो मेन जो टीचिंग मैथड है उसका उनको पता है साथ में उन्होंने हिप्नोथेरेपी की बहुत सारी अपनी जो है क्लिनिकल स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट करी है तो एक कंप्लीट पैकेज के रूप में वो आती हैं जो कि हमारे एनशियंट नॉलेज और जो हमारा एनशियंट धार्मिक कल्चर उसकी सिविलाइजेशन और साथ में जो है मॉडर्न साइंस उनके जो क्लाइंट हैं वो आयरिश भी हैं देसी हमारे जो इंडियन भी हैं दोनों के ही हैं बहुत सारे हैं और ऐसे में इस नॉलेज का हम कैसे यूज करें उसी पर्पज के लिए आज ये जो टॉक होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग है थोड़ी लंबी टॉक है बहुत कुछ है इसमें डाइजेस्ट करने के लिए अपना टाइम से आराम से जो है कॉफ़ी लेके बैठ जाइए कॉफ़ी लीजिए चाय लीजिए अपने सोफा में बैठिए आराम से स्टॉक को सुनिए कुछ बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी और उनको अपनाइए और अपनी लाइफ में स्ट्रेस एनजाइटी डिप्रेशन और ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं सुसाइड इनकी अवेयरनेस को बढ़ाइए तो चलिए शुरू करते हैं टॉक हम बिंदु मल्होत्रा जी के साथ अगर आपको ये टॉक पसंद आए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। नमस्ते बिंदु जी वेलकम टू योगी टॉक्स। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज की एक uh, बहुत इंटरेस्टिंग टॉक होने वाली है और हमारी जो ऑडियंस हमको देखेगी आ, उसको भी जो है ये बहुत अच्छा लगने वाला है कि हम एक ऐसे टॉपिक को टच कर रहे हैं कि जो आ, मुझे लगता है कि हमारी स्पेशली जो है ना रही इंडियन कम्युनिटी उसको बहुत सीरियसली नहीं लेती जैसा हमारी आपकी पहले बात हो रही थी उसमें हम बोल रहे थे तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि स्ट्रेस है क्या सबसे बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि जब तक हम समझे नहीं कि स्ट्रेस है क्या हम उसको सॉल्व कैसे करें तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हम रोज महसूस करते हैं और एक छोटा सा बच्चा भी उस चीज को जानता है कि स्ट्रेस क्या होता है एक ऐसी एनर्जी हम कह सकते हैं क्योंकि मैं हर चीज को एनर्जी से समझती हूँ एक ऐसी एनर्जी है जो आपके आ, आपके कॉन्शियस माइंड जैसे कि हम जहाँ बात कर रहे हैं ये हमारा हम बिजी है आप जो आपकी ही सोल पावर को कहीं ना कहीं ड्रेन कर रही है, कहीं कहीं कर रही है। तो जैसे आप समझ सकते हैं एक मटका है और उसके अंदर एक छेद हो गया है और आपकी सारी की सारी एनर्जी कहीं ना कहीं से लीक होती जा रही है और आप उस दौड़ में भागते चले जा रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी एनर्जी जा कह रही है क्योंकि आपकी स्पीड कहीं ना कहीं कम होती जा रही है hmm. तो एक स्ट्रेस ऐसी आप जिसे नॉर्मल समझ के अपने दिनचर्या को चला रहे हैं लेकिन वो कहीं आपको ड्रेन करते करते दूसरे स्टेज में पहुंच जाती है hmm. और जब उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं तब हमको पता चलता है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है अच्छा तो जब ये मतलब एक जैसे हम अपना दिन की शुरुआत करते हैं सुबह उठे उसके बाद हम तो एक नॉर्मल स्ट्रेसफुल आदमी के लिए मतलब जो उसके अर्ली सिम्टम्स हैं उसको क्या कैसे पता चले कि नॉर्मली कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं स्ट्रेस हूँ कोई बोलता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है कोई बोलता है मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है फिर बॉडी कांप रही है बहुत तरीके के सिम्टम्स बोलते हैं तो मतलब आपके हिसाब से एक तो क्लिनिकल साइड है इसकी और दूसरा जो है एक नॉर्मल आदमी कैसे पहचाने स्ट्रेस को सिमटम्स सबसे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि अगर हम सिम्टम्स समझ लेते हैं तो फिजिकल इलनेस में तो चलो खांसी आगे पता चल गया हाँ। लेकिन इस मेंटल हेल्थ में जो है सिम्टम्स बहुत हार्ड है पता करने और कई लोग उसको बहुत आसानी से फेक करते हैं खासकर लोग जब एंगजाइटी में होते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से मास्क करते हैं क्योंकि उनको सोशल एंगजाइटी होती है स्ट्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको सबसे पहले तो रात को ठीक से नींद नहीं आती है क्योंकि आपका मन सारी वक्त चलता रहता है और आप जब सुबह उठते हैं तो आप बहुत टायर्ड फील करते हैं आप अपने अलार्म को एक होता है लेजीनेस कि आप अपने अलार्म को पुश कर रहे हैं लेकिन एक है कि आप बेड से बाहर आने में आपको बिल्कुल मन नहीं करता नहीं। कोई चीज काम करने का चलो करना है लेकिन हर चीज में एक बोर हो रहा है थक गए हैं एक आलस्य रहेगा लेकिन वो बोर्डम नाम की कोई चीज नहीं होती है एक्चुअली में बोर्डम इज नॉट अ फीलिंग ये कोई एम्टीनेस होती है no. तो ये स्ट्रेस जो होता है ये आपको सबसे ज्यादा आपके पेट में महसूस होता है दैट्स द प्लेस वे स्ट्रेस टेक्स इट्स प्लेस

क्योंकि उनका मन बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत स्ट्रेस और नेगेटिव हो रहा है अच्छा तो अब जब हम आपने स्ट्रेस को तो डिफाइन किया अब अगर हम इसको ये समझें कि इसकी जो शुरुआत है एक जैसे एक नॉर्मल एनआरआई की लाइफ आप पकड़े यहाँ पर जो है आते हैं अपना वीज़ा प्रोसेस वगैरह कंप्लीट किया उसके बाद जो है एक अच्छी लाइफ शुरू हो जाती है यू नो फन होता है अपना शुरू के दिनों में लेकिन एट सम पॉइंट उनको जो है ये जो यहाँ की जो जर्नी है उसमें जहाँ वीज़ा प्रोसेस से ड्राइविंग लाइसेंस से कार लेना है फिर उसके बाद मोड़ गए शादी हो गई बच्चे हो गए फिर बच्चों की पढ़ाई उनको इस इस दौरान कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती है और लेकिन उनको पता नहीं होता है नहीं। तो इसका जो अगर आप इसको मतलब जैसे आपने बोला ना कि ये पूरा जो स्ट्रेस जो है लाइफ में डेवलप होता है कि आप नॉर्मल सिम्टम्स हैं क्लिनिकल तरीके से आप कैसे इसको डिफाइन करते हैं कि जब आप क्लि क्लि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैं आपके पास आया तो और मुझे भी नहीं पता मैं तो बस मेरे को बोला किसी ने कि जाओ आपको क्लिनिकल हेल्प चाहिए ठीक है लोगों ने बोला तुम स्ट्रेस डाउट हो अब मैं आपके पास आया हूँ तो आपका वो क्या प्रोसीजर है, क्या, क्या है लेकिन मतलब? तो तो मैं, मैं, तो मैं उसकी कहानी के पीछे का मानसिक क्या अंदर चल रहा है मन की स्थिति क्या है वो समझ रही होती हूँ तो लोग ज्यादातर आते हैं एंग्जाइटी के लिए क्योंकि यहाँ वो शब्द को बहुत अच्छी तरह से परखते हैं कि ये एंगजाइटी है एंगजाइटी स्ट्रेस का ही एक नेक्स्ट लेवल है नेक्स्ट लेवल जब वो चीज़ मुझे भी दिखने लग गई कि मुझे अब ठीक नहीं लग रहा है मैं सोशल सिचुएशंस में परेशान रह रहा हूँ मुझे रात को नींद नहीं आ रही मैं परेशान हूँ अपनी अपनी स्ट्रेस से तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए जब वो मेरे पास आता है तब मैं यही समझती हूँ कि उसके मन की स्थिति क्या है उसका दिनचर्या कैसे जा रहा है क्या ये चीज उसके हर चीज पर हावी हो गई है उसके रिलेशनशिप्स में उसके काम पर उसके अपने पर्सनल ग्रोथ में उसके सोने उठने बैठने या बाहर लोगों से मिलने में भी उसको अब दिक्कत होने लगी तो ये वो नेक्स्ट लेवल पर चला गया है मगर स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो वो पर्सन के चेहरे पर ही दिखाई दे जाती है दिखाई गया दे जाता है और कई लोग बहुत अच्छी तरह उसको मास्क करते हैं खासकर एंगजाइटी वाले लोग बहुत अच्छी तरह डिप्रेशन वाले तो उससे ज्यादा अच्छी तरह मास्क करते हैं क्योंकि वो सोशल सिचुएशन में अंदर से तो वो बहुत घबरा रहे होते हैं क्योंकि उनको हर चीज बहुत घबराती है और बहुत डराती है लेकिन जब वो मास्क कर लेते हैं उसको तो वो कहीं ना कहीं और उसको सप्रेस कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसको परखना और रियलाइज करना कि जैसे कि आप अगर कोई चीज में काम कर रहे हैं ऑफिस में और आपके पास आजकल तो फाइल्स नहीं आती हैं आजकल तो टास्क हैं, हैं। आते हैं प्रोजेक्ट्स आते हैं तो अगर आपके पास ऑलरेडी दस प्रोजेक्ट है और आपका बॉस आपको ग्यारहवां और फिर बारवा भी प्रोजेक्ट दे दे तो अंदर से आपको याद रखना तो हर चीज आज मन से हो रही है तो मैं उनका मन की स्थिति देखती हूँ कि उनकी पोजिशन क्या है आज किस चीज में जॉब में काम कर रहे हैं उसमें किस लेवल का उनका ब्रेन या उनका मन चल रहा है उसके उस हिसाब से उनकी रिलेशनशिप में क्या इफेक्ट है उनका शॉर्ट शौ, टेम्पर है या उनका इरिटेशन लेवल है या उनकी बॉडी से ही दिखता है कई बार तो वो खा नहीं रहे हैं बराबर या उनकी आंखों के नीचे काले सर्कल्स हुए पड़े हैं कई चीजों से आप समझ सकते हैं कि इनको बहुत लेवल का स्ट्रेस है कई बार मेरे पास लोग आते हैं जो सिंगल है इसलिए स्ट्रेस्ड है कोई है जो अभी अभी तो है। है, तो शादी तो इस हद तक कि मैं बता नहीं सकती और आ, कई जो होते हैं वो यहाँ नए नए आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए और वो इसलिए स्ट्रेस्ड होते हैं क्योंकि कल्चरल शॉक लग जाता है बहुत अच्छा। बड़ा और कई बार उनके पास वो स्पेस होता है खालीपन होता है जो हमारा चहल पहल है इंडिया का वो नहीं है और एकदम ही आप बिल्कुल सन्नाटे में अकेले में चले तो लोग डिप्रेशन में जाते हैं और सीधा यहाँ तो डॉक्टर एंग्जाइटी एंटी डिप्रेशन दे देते हैं फटाक से दे, दे जिससे आपको सुसाइडल हाँ। थॉट्स आते हैं जो हाँ। आपके लिए आपका और एक नेक्स्ट लेवल का बीमारी क्रिएट कर देता है तो मेरा सबसे बड़ा काम होता है कि अगर ये किसी टैबलेट्स में है तो सबसे पहले फर्स्ट सेशन में उसका टैबलेट छुड़ाना और फिर इनको नॉर्मल चीज पे लेके आना

तो स्ट्रेस और एंगजाइटी के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस बता दीजिए एंगजाइटी और जो है डिप्रेशन के बीच में बता दीजिए और डिप्रेशन से फिर सुसाइड रीजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं बच्चों से भी मिलता हूँ जैसे बच्चे घर आते स्कूल से ओ आई एम सो डिप्रेस्ड डे एक जैसे कॉमन वर्ड बन गया मैं <laughs> बहुत डिप्रेस्ड हूँ या मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ मच एंगजाइटी मे बी दे आर नॉट बट दे तो आप बताइए इसका डिफरेंस सही बात है, आ, है। उसका अभिप्राय समझना शब्दों हाँ? का और हाँ? उसका मीनिंग के साथ बोलने पे बहुत फर्क पड़ता है और यहाँ पर वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आपने सही कहा तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आप चाहकर क्रिएट कर सकते हैं एवरीडे डिपेंड्स ऑन योर मेंटल हेल्थ के आप अपना कितना ध्यान रखते हैं क्योंकि आपको दिन भर में सौ काम करने हैं आपके रिलेशंस भी हैं आपका काम भी है आपके बच्चे भी हैं घर भी साफ करना है और ग्रोसरी भी भरनी है तो नहीं। नहीं। बहुत सारे काम आपको अकेले ही करने हैं तो वो अप होने की वजह से क्योंकि वर्क आफ्टर वर्क यू अ ब्रेक आपको कहीं कही ना कहीं वो टायर्डनेस और उसका प्रेशर के वजह से एक आपका रेजिस्टेंस लेवल पे डिपेंड करता है इफ यू इज़ आप अपना बैलेंस रखते हैं अपने हुँ, अंदर हुँ, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा मगर आप अगर बैलेंस कहीं हिल गया आपके पास सेल्फ केयर का टाइम नहीं है तो आपको उसका प्रेशर महसूस होने की वजह से एक स्ट्रेस फील होता है अब उसको कॉप करने के लिए शायद आप कहीं रिट्रीट पे चले गए हॉलीडे पे चले गए मगर अगर आप ये नहीं करते और ये सालों साल चल गया हाँ। तो ये नेक्स्ट लेवल में चला जाता है जो है आपकी एंजाइटी एंजाइटी में लोगों को ज्यादातर पैनिक अटैक्स आते हैं पैनिक अटैक्स जहाँ सब कुछ ठीक है अचानक से उनको घबराहट हो गई बहुत ही पैनिक अटैक ब्रेथलेसनेस पल्पिटेशन वो बहुत डर गए हैं सहम गए हैं वो उनको एम्बुलेंस तक बुलानी पड़ रही है जैसे कई लोग खून देख एकदम पैनिक हो जाते हैं कई लोग लिफ्ट में जाने से पैनिक हो जाते हैं

ही गोइंग टू द सेम थिंग वो दो तीन बार हॉस्पिटल होके आ चुके बोले मुझे पैनिक अटैक आ रहे हैं तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि जब स्ट्रेस की स्टेज से आप क्रॉस करके एंगजाइटी में जा रहे हैं तो आपको ये नेक्स्ट लेवल पे पैनिक अटैक आना अचानक से घबराना ये सारी चीजें आपको शुरू हो जाएंगी साथ ही साथ आपको एंजाइटी का सबसे बड़ी चीज होती है कि वो आपको पकड़ता है और आपका डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ गोइंग आउट छोटा करता जाता है यानी कि जो लोग पहले बहुत ही सोशल थे वो धीरे धीरे अपने कम दोस्तों से मिलते हैं या उनको कुछ ही दोस्त अच्छे लगते हैं उनको कुछ ही एक आध चीज जैसे मुझे तो यही पसंद है मुझे तो यही देखना अच्छा लगता है मुझे उसी दुकान में खरीदना पसंद ये सब माइंड के ट्रैप्स हैं यानी कि आपको आपकी बाउंड्रीज को कम करती जाएगी कम करती जितने तक आप अपने कमरे में लॉक ना हो जाए तो ये एक सिग्नल है जिसको बहुत जल्दी पकड़ कर चेंज ना करें तो वो आपको आपके कमरे में लॉक करके ही रख देगी इसीलिए एंग्जाइटी इज नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम इट्स अ बिग प्रॉब्लम तो कई क्लाइंट्स मेरे पास बड़े हिम्मत के साथ अपने घर के छोड़कर अपनी वो जो एंग्जाइटी है उसको छोड़कर इस रेडियस तक आना मेरे तक वहां बैठना और एक स्ट्रेंजर से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना वो उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जिसके वजह से उनको पता है कि कहीं एक ट्रस्ट है कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है और जब कोई उस मेंटल है इससे आते हैं स्टेट से कि मुझे इससे बाहर निकलना है तो कई लोग तो एक सेशन में ही उससे बाहर आ जाते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन देर माइंड कि कितना वो उनके पास कितना विल पावर है कि कमिटमेंट है कि मैं इसमें से बाहर निकलना चाहता हूँ आप जो मर्जी कराओ मैं आपसे डील होना चाहता हूँ तो जब वो बंदा इतना ओपन होके आता है और ब्रेवली इतना यहाँ तक पहुंच के बात करता है तो वो अपने उस प्रॉब्लम से परेशान होकर आता है hmm, hmm. और डिप्रेशन तो फिर वो उसके नेक्स्ट लेवल का हो गया ah. जिसमें तो अब वो पर्सन अपने बारे में बहुत ही क्रिटिकल सोचने लगता है कि इज गुड इनफ फॉर नथिंग कई बार हम बच्चों को डांटते वक्त ये कह देते हैं कि यूर नॉट गुड फॉर एनीथिंग या ah. आ, कुछ डांट देते ah. हैं बच्चों को क्यों किया तुमने ऐसा uh -huh. या टीचर कुछ बोल देती हैं uh -huh. तो वो चीजें बच्चे अपने अंतर्मन में अपने इंटरनल वॉइस की तरह ले लेते हैं यानी कि जो हमारी एक्सटर्नल वॉइस है वो उनकी इंटरनल वॉइस बन जाती है mm -hmm. अब वो अपने आप को ये स्वीकार कर लेते हैं कि शायद मैं गुड इनफ नहीं हूँ या मैं काबिल नहीं हूं या मैं नहीं कर सकता मतलब सेल्फ सेल्फ क्रिटिसिज्म और इस हद तक क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि वो इस मतलब यही नहीं समझते कि मैं जीवन में क्यों हूँ Hmm. इतना डिप्रेस्ड हो जाते hmm. हैं कि कोई भी चीज उनको लाइफ में खुश नहीं कर पाती है वेल हाँ. well, एक चीज मैं और ऐड कर सकती हूँ इसमें आई एम नॉट श्योर हाउ ओपन पीपल आर टू हियर दिस बट कई बार ये हमारे थॉट्स नहीं होते हैं ये हमारे आसपास पास और हमें नेगेटिव एंटिटीज के थॉट्स होते हैं हाँ. जो हमारे माइंड पे इन्फ्लुएंस करते, करते हैं, हैं।, हैं। तो डिप्रेशन एक ऐसी लेवल है और खासकर लोग जो एंटी एंग्जाइटी या ऐसी पे आ जाते हैं, उनको नेचुरली उसका साइड इफेक्ट्स होता है और वो नेक्स्ट लेवल पर क्योंकि उसके डोजेस बढ़ते जाते हैं और वो उस नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं जहाँ वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं नौ डिप्रेशन कैन भी मैनी रीजन किसी का ब्रेकअप हो गया है हाँ। या किसी का कॉलेज में उतने मार्क्स नहीं आए हैं या कोई उनके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई है तो कई चीजों के वजह से लॉस कैन कॉज अ लॉट ऑफ ग्रीफ और उसको आप बराबर से नहीं ट्रीट करें जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी जब अपने बच्चे को जन्म देती तो पोस्ट अ हाँ, प्रेगनेंसी के बाद भी उनको डिलीवरी दि, के बाद एक डिप्रेशन आता, आता है अगर हम इंडियंस में ज्यादातर ये नॉलेज नहीं है अवेयरनेस भी नहीं है हमारे लिए कोई दुख आया तो कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे हाँ, ये आ जाता है हाँ, हाँ, हाँ। हम ये नहीं सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ इज अ प्रॉब्लम इट्स एन इशू अगर वो बच्चा बार बार कह रहा है कि मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है या मुझे स्कूल नहीं जाना है तो उसके पीछे क्या कारण है हाँ। वो पर्सन अगर उदास है तो हम कई बार सोचते हैं कि ठीक है ना ये तो होता रहता है ठीक हो जाएगा तो हम बहुत इजीली उसको इट्स ओके इट्स ओके कर लेते हैं लेकिन उस पर्सन की क्या स्टेज है उसको समझना और उसको उस वक्त राइट सलाह राइट सजेशंस uh, देना क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की माइंड के लिए कम्युनिकेशन इज द की तो जब हम राइट वर्ड्स बोलते हैं तो वो उसमें से बाहर आ सकता है तो स्ट्रेस एंजाइटी और डिप्रेशन तीन जो आपने बताया सीक्वेंशियल ऑर्डर में है एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा और जो उसकी फाइनल स्टेज है वो सुसाइड जो बहुत ही एक बेकार की स्टेज है सुसाइडल थॉट जो है तो मतलब ये आदमी की अगर टाइम वाइज आप जर्नी देखें तो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पेशेंट्स के साथ आपने कभी देखा है कि कुछ ही महीने में आदमी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में पहुंच जाता है एक टाइम फ्रेम क्या होता है नॉर्मली एक ज्यादातर इसमें तीन से चार साल लगते हैं अच्छा तीन से चार साल किसी पर्सन के पास स्ट्रेस है बहुत सारा स्ट्रेस है तो वो धीरे धीरे ही नेक्स्ट लेवल एंग्जाइटी में पहुंचता है और वो एंग्जाइटी को कई बार तो कोप कर पाता है क्योंकि वो इतनी बड़ी बात नहीं लगती है एक पैनिक अटैक आ गया कहीं मैं बाहर गई थी तो वो पहले तो वो फ्रीक्वेंसी कम होती है जब तक के मेरे पास क्लाइंट ऐसे आते हैं जहां उनकी दिन में तीन या चार बार उनकी

पेन के ऊपर आ जाए okay. तो मैं इतना आप आप अपने को पेन करते हैं, हैं मुझसे होता ही नहीं गाड़ी चलाते हुए अटैक तब मैं मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ जब इज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाइल ही बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था ऑप्शन तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन किस तरह के स्टेजेस होती हैं और उसके बाद ही जब इस हद तक आप अपने रूम में लॉक हो गए हैं हेल्पलेस हो गए हैं तब कहीं जाके आता है कि एम नॉट गुड फॉर एनी और वो क्रिटिकल थाट्स के साथ डिप्रेशन तो में जाने के बाद mm. फिर उनको कहीं लगता है क्योंकि हर आप जब एंटी डिप्रेशन डॉक्टर किसी को देता है तो वो पहले ही कहता है अगर एक दो हफ्ते में आपको सुसाइडल थॉट्स आए हाँ। तो हमारे पास आ जाना क्योंकि अच्छा। ये डिप्रेशन सुसाइडल थॉट्स क्रिएट करती हैं तो पर, ये ड्रग्स ऐसी क्या होती है कि सुसाइडल थॉट्स की तरफ क्यों ले जाती है अगर सुसाइडल थॉट की तरफ ले जाती है तो फिर ये कैसे ट्रीट करती है एंजाइटी को ये खाली सप्रेस करती है इट्स लाइक आपके पास एक कंटेनर है और आ? आपने उसके ऊपर लिड लगा दी है तो वो सारी की सारी इमोशंस अंदर हैं बस आपको लिड लगा दी गई है तो जब जैक आउट ऑफ द पॉक होता है बॉक्स आता है एकदम वो चीजें कई गुना ज्यादा बढ़कर

तो आज इससे पहले कि हम इस जर्नी को शुरुआत करें सनातन धर्म के जो हमारा अपना इंडिक सिविलाइजेशन का जो माइंड कंट्रोल का मेथड है ये क्या स्ट्रेस एनजाइटी डिप्रेशन और सुसाइड एक नॉर्मल जो बच्चा है आठ से अठारह साल का वर्सेस अठारह से लेके तीस पैंतीस साल का या फिर पैंतीस साल से ऊपर साठ तक का क्या इनके लिए सेम है या अलग अलग है आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि ये लोग मतलब कैसे करते है? ये लोग है। हाँ. जैसे बच्चों में ये शुरू होता है बुलिंग से या आइसोलेशन से बहुत ज्यादा तो जब उनको लो सेल्फ स्टीम फील किया जाता है कई मेरे पास आते हैं टीनेजर बच्चे कि मेरे फोरहेड बहुत बड़ा है ऐसा मुझे टीज किया गया है छोटी सी बात मगर वो बच्चे के लिए वो फोरहेड उसके लिए सारी जिंदगी बन गया इतना कि वो उस बच्चे को खुद ही नहीं पसंद उसको सुसाइड करना है और इस हद तक के पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों को हेल्पलेस फील करके कि ना ये स्कूल जा सकते हैं ना ये अपने आप को देख पा रहे हैं ये घर के अंदर बैठे किसी तरह इसकी हेल्प कर दो तो वो जब इस लेवल पर पेरेंट्स परेशान रहते हैं और बच्चा इस हद तक बेबस हो जाता है तो उसका लेवल तो वही होता है कि किसी तरह इनको बाहर निकाले बच्चों में ये भी होता है कि उनका ये जो होता है डिप्रेशन या एनरिकिया या बुलेमिया में कन्वर्ट हो, हो जाता है इसका मतलब है या वो खाना उनको समझ नहीं आता है क्या करना है खाना भूख नहीं लगती नहीं। ये होता है उनका सेल्फ बॉडी शेमिंग या बॉडी के लिए किसी ने कह दिया या उनके अंदर एक वो होता है कि मुझे बहुत पतला ही रहना है या मुझे बहुत ऐसा ही दिखना है ये लुक्स पे आ जाता है क्योंकि हमारी आज कंडीशनिंग सब सोशल मीडिया है और अच्छे करो दिखो अच्छा दूसरी है कि बच्चों में जब ये ओवर ईटिंग का किसी ने कह दिया तुम चबी हो उससे मोटा होने पर या पतला रहने पर ये जो हाँ। एक कॉन्सेप्ट है वहाँ आ जाता है तो वो किसी भी रूप में मेरे पास आए है तो एंजाइटी के ही सब रूप हाँ। क्योंकि है सब उनका स्ट्रेस कहीं ना कहीं वो एंगजाइटी ही कन्वर्ट हो गया है अब इस चीज में कई बार मुझे पास लिग्रेशन निकालना पड़ता है इन चीजों को कई बार किसी मंत्र से कई बार किसी हीलिंग से किसी आ, किसी को राजयोग से तो कई तरीके टेक्निक से आप उनको हील कर पाते हैं मगर हर एक में होता तो वो सेम ही है सेम ही। खा, खाली ये होता है कि जो बड़े हो जाते हैं ना जब तीस चालीस हाँ। साल हाँ। के तब आप उसको अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस कर पाते हैं बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो वो उस चीज को समझते नहीं उनको लगता कहीं मेरे में कमी है मेरे में कोई प्रॉब्लम है वो अपने आप को और बुरा और अंदर ही अंदर रखते हैं हाँ। या वो फिर ड्रग्स या अल्कोहल में चले जाते हैं वेपिंग करने लग जाते हैं आजकल वो बड़ा बहुत थारे। थारे। बहुत कॉमन है है से से इजी मिल जाता और मिलता भी बहुत आसानी हर हाँ। जगह बेच रहे हैं हाँ। तो वो हमारे बच्चे वहां चले जाते हैं तो वो बच्चों को एक्सप्रेस कराना बहुत जरूरी है कि और उनको सुनना उससे ज्यादा जरूरी है कि वो क्या कह रहे हैं हमको लगता है कि बच्चे बहाना बना रहे हैं पर हमारे बच्चे यहाँ के बच्चे बहाना नहीं बनाते जब रियली में कोई बात होती है ना तभी पेरेंट्स से तो ये मैसेज साफ है आपका कि भाई बच्चा अगर बोले तो सुनो उसकी बात को ना कि इग्नोर करो एक्चुअली ये बात मुझे रेजोनेट इसलिए करती है क्योंकि हमारा जो पहले का जो इंडियन कल्चर था आज से एक जनरेशन पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी तो उसमें आपके पास जो ओल्ड एज वाले लोग भी होते थे जो इस फेज से गुजर चुके होते थे अगर वो बच्चे की उस प्रॉब्लम को देखते थे तो वो फिर अगर कहते हैं तो उनको पता था कैसे डील करना है तो एक तरह से घर में ही हीलर था बहुत। और आज जो ये ये जो यूनिट है फैमिली की वो एक तरह से शॉर्ट होते होते सिर्फ हस्बैंड वाइफ दो लोगों में आ गई और ऊपर से एक बच्चा हाँ और वो भी दोनों हस्बैंड वाइफ को इस आयरलैंड में रहने के लिए तो बहुत कमाना है हाँ। और आपको सारा दिन बिजी रहना है आप वो कॉन्सेप्ट जो आ गया है चाइल्ड केयर का उसे जो पेरेंट की परवरिश है वो तो कहीं घूम गई और वो बच्चा बाहर भी अकेला तो यहाँ भी अकेला यहां भी अकेला है। तो दोनों तरफ ही वो बच्चा उसको कल्चर इतना डिफरेंट मिला है हाँ। कि वो एक तो हम इंडियन सिखा रहे है हाँ। और बाहर उसके फ्रेंड्स उसको बता रहे है दो नाव झूलता रहता है तो वो सोचता है मेरे फ्रेंड मेरे पेरेंट्स स्कूल क्यों नहीं है उनके पेरेंट्स कितने ओपन है हमारे ओपननेस भी मतलब आप एल्कोहल पियो ड्रग्स लो बाहर बाहर तो जाओ पॉप्स में तो वो 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 ओपननेस हाँ, है वो ओपननेस उनकी अंडरस्टैंडिंग है हमारे क्यों पेरेंट्स नहीं अनुसी हमारे पेरेंट्स हाँ तो वो बच्चा बहुत ही दुविधा में रहता है हाँ, और उसके लिए वो एक तरह का टॉर्चर ही है हाँ, कि ये चीज समझना कि मैं क्यों नहीं कर पाता हूं। हाँ, उसके नजरिए से देखा जाए तो वो बहुत परेशान रहता है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे बहुत जादा। बहुत जादा है बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा ना हाँ। तो ये जो की जो लाइफ है उसको जब मैं देखता हूँ ना आजकल मैं स्पेशली जब लोगों से मिलता हूँ तो मुझे लगता है जैसे इवन जो पहले लोग आए थे एक जनरेशन पहले वो फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते थे जैसे मार्केट लगाना है और अपना जो है एक तरह से बहुत ज्यादा आईटी का इतना वो नहीं था कि एक डेस्क पे बैठे थे तो उन लोगों ने हार्ड वर्क भी किया वो इतने स्ट्रेस्ड आउट मुझे नहीं देखे लेकिन ये जो जनरेशन अब आ रही है छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस होता है जैसे घर में अगर उन्हें बीस पच्चीस लोगों को बुला लिया पार्टी हो रही है तो उसी में स्ट्रेस हो जाना है उसके बाद वो फिर वो पेनाडॉल और ये सब मेडिसिन लेके बैठे रहते हैं अगले दिन तो जी। तो ये 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 कैसे मतलब इन लोगों को कैसे समझाया जाए कि देखो ये जो लाइफ है तुम्हारी ना एक तरफ से जब हम इंडिया से आते हैं तो हमारा एक बहुत अच्छे सपने होते हैं ना कि हम बाहर जा रहे हैं एक अच्छी कंट्री सब कुछ है तो ये जब चीज़ें एक तरफ से जब आपकी इमिग्रेशन की जर्नी चल रही है दूसरी तरफ से ये चीज़ें हिट करना शुरू होती हैं और इसको वो दबाते रहते हैं तो आप उसको कैसे मतलब बताएंगे इन लोगों को कि इसको सीरियसली क्यों लेना चाहिए उनको सबसे पहले तो उसके लिए समझना पड़ेगा आपका अपना जो मन है अपने आप को पहले समझना पड़ेगा कि आपके मन को उसमें तीन लेयर्स हैं एक है आपका कॉन्शियस माइंड जिसमें आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ गलत खा रहा हूँ डायबिटीज है मगर मैं मीठा खा रहा हूँ कॉन्शियस माइंड जानता है कि मुझे नहीं खाना चाहिए वो हेल्पलेस है उसके नीचे है आपका अंतर मन जिसके पास सारी पावर है उसी के अंदर कोई ऐसी हैबिट है कोई ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसके वजह से वो बार बार मीठे की तरफ उसका मन तड़पता है क्योंकि उसने बिलीफ बना रखा है अंदर अगर हमको कोई चीज समझनी है तो हमें समझना है कि सारी शक्ति हमारे जो मन में प्रॉब्लम्स है लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी मन से आ रही है अंतर मन से तो प्रॉब्लम अगर सोल्यूशन क्रिएट तो भी भी कर, 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 सकता। कर सकता है जैसे हम अपने बच्चे को हर से अच्छे से अच्छी चीज देना चाहते हैं वैसे ही जब हम अपने मन को समझ कर उसको एक बच्चे की तरह केयर दें, केयर दें सारा काम किसने करना है आपके मन ने करना है हाँ। उससे आपने सारा दिन काम कराना काम है, है वो ग्यारह फाइल भी आपने करवानी है घर का भी काम करवाना है गाड़ी भी में वो करानी है एनसीटी अपने बच्चों को भी संभालना है तो वो कितना करेगा अगर आप किसी को सारा दिन काम दें हाँ, और उसको प्यार नहीं करें थोड़ी देर बिठा हाँ, के उसको सुने नहीं हाँ, तो वो कैसे चलेगा कैसे चले तो आपको अपने मन के साथ कभी बैठ कर जैसे मेडिटेशन हो कोई मंत्र जाप हो कोई इस तरह की साधना जो आपको अच्छी लगती हो वहाँ बैठ कर अपने मन को वो दें जो उसे खुशी देती है आपके दे मन दे। को कहते हैं इनर चाइल्ड हाँ। अंतर मन को आपका अपना बच्चा समझे हाँ। वो आपका मन है आप मन नहीं है उसमें एक हाँ। डिफरेंस है हाँ। तो जब आप अपने मन को प्यार से सुनते हैं उसको बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुझे उसके पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है उस पार्टी में मैं समझती हूँ लेकिन हमको अपने बच्चों के लिए जाना पड़ता है हम वहाँ कुछ देर के लिए जाएंगे उसको प्यार से बैठ के समझाएं मैं तुझे वहां तेरी फेवरेट चीज खिला दूंगी नहीं, नहीं। तो जब मन को खुशी मिलती है उसको सम, उसे लगता है कि आप उसे सुन रहे हैं समझ रहे हैं और उसको प्यार दे रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता है आपका हाँ। और वो आपका बिल्कुल सुनता है हाँ। तो आप उसको जब सही डायरेक्शंस देते हैं तब वो आपकी बात सुनता है जैसे आप अगर सारा दिन उसको घोड़े को चला रहे हैं चाबुक मार मार के ये भी काम कर वो भी काम कर तो वो कितनी चाबुक खाएगा हाँ। वो भी बेचारा थक, थक, थक जाएगा थक जाएगा तो उसको थक गया है तो कभी कभी काम करते वक्त अपने लिए ब्रेक लेना पॉज लेना जैसे लोग कहते हैं स्ट्रेच करना पंद्रह मिनट ब्रेक ले कंपलसरी है हर ऑफिस में दो दो तीन तीन घंटे में तो आप वो ब्रेक को सम्मान के साथ लें कि मैं अपना केयर कर रहा हूँ जैसे आप पार्टी करना चाहते हैं पंद्रह बीस पच्चीस लोगों को बुलाना चाहते हैं तो पहले अपने मन से तो पूछ ले कि वो करना चाहता है कि हाथ तो कर लेगा लेकिन मन भी खुश है उस करने में कि आप अपने परिवार में ही अगर स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं हाँ, तो आपके साथ कौन रहने वाला है कौन रहने वाला? तो मैं अपने क्लाइंट्स को एक चीज समझाती हूँ कि अगर आप उसको इमेजिन करें तो आप ज्यादा समझेंगे आप अगर एक सर्कल बनाए इमेजिनरी सर्कल बनाए इसमें हो आप ठीक है उसके आसपास एक और सर्कल बनाए उसमें वो है जो आपके साथ रहते हैं आ, आपका परिवार, परिवार आपके जिनको आपको खिलाना है जिनकी आपकी नीड्स पूरी करनी है जो आपकी नीड्स पूरी करते हैं उसके आसपास वो हैं जो आपके सगे प्यारे परिवार वाले या फ्रेंड सर्कल है और उसके आसपास आपके जैसे जॉब हो गई कलीग्स हो गए ऐसे पीछे गए तो जब आप अपने आप को देखते हैं पहला सर्कल तो आप है लेकिन ये जो दूसरा सर्कल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सर्कल में जब तक आप सही चीजें सही बीज नहीं बोएंगे नहीं। तब तक आपका ये बीज वाला सर्कल खुश नहीं हो पाएगा नहीं। क्योंकि आप तब खुश होंगे जब ये जो लोग हैं ना जिनके साथ आपने रहना है अब हमारे कल्चर में सिखाया ये जाता है कि बाहर वालों को तो सब दो आ, अच्छे से अच्छा मास्क पहनो आ, बड़ा खुश रहो और प्रोफाइल अच्छी बनाओ आ, लेकिन ये घर वालों को गालियां दो सही बात है <laughs> तो होता ये है कि बाहर वालों को तो सब अच्छा-अच्छा मिल गया उन्होंने अच्छा खाया उन्होंने अच्छा देखा अच्छा पहना लेकिन ये घर वालों को पड़ी है डांट हाँ। इनको बड़ा है स्ट्रेस हाँ। इनको बड़ी और इनमें आपस में हो रहे हैं झगड़े हां तो वो कैसे कैसे अच्छा कई बार लोग ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं कि उनके जाने के बाद उनके घर में झगड़े हो रहे हैं एक कॉल मैंने सुन लिया उसके बाद में अपने ही पति के साथ अपनी पत्नी के साथ अपने, ही के साथ, अपने ही बच्चों के साथ झगड़ रही हूँ तो बाहर के जो सर्कल से चीज अंदर आएगी वो ऐसी होनी चाहिए जिससे ये वाला सर्कल और मजबूत और आ, खुश और खुशबू से भरे और खुशियों से भरे और जॉय से भरे यानी इसमें ग्रोथ हो ग्रोथ हो जहाँ लग रहा है कि इस सर्कल में डिप्लीजन हो रही है वहीं उस पर्सन को अपने घर से या अपने कॉन्टेक्ट से अपने सर्कल से निकाल दे क्योंकि बाहर के लोग आपके लिए क्या करेंगे सिर्फ सिर्फ बात बात बाहर के के लोग आपके लिए सिर्फ बात करने के लिए करने कम्युनिकेशन के लिए लेकिन ये जो घर के लोग हैं आपके बीमारी में ये आपके लिए जागे जाएगी तो मतलब आप सीधे कह रहे हैं पहले अपने आप को लुक आफ्टर रखो फिर आपका जो घर आपके घर के आसपास का जो अपना घर है पहले उसको मेक श्योर वो हैप्पी करो वही हैप्पी नहीं होगा तो जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं वो कहाँ से फिर आपको पॉजिटिविटी देगा तो और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट सर्किल सो ये सर्कुलर जो कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा लगा मुझे दिस इज़ रियली नाइस वे टू थिंक कि ना इन सर्किल्स को कैसे हम आगे बढ़ाएं अच्छा कभी कभी लोग जो ये भी बोलते हैं ना कि जैसे स्ट्रेस एन्जाइटी डिप्रेशन सुसाइड तो ये तो प्रॉपर टर्म हो गए हैं लेकिन एक टर्म लोग कम यूज़ करते हैं जैसे लेकिन आ, बोलते हैं ओवर वो सेम सेम चीज को को थॉट्स दिमाग में मतलब जैसे बॉस ने कुछ बोल दिया सेंसिटिव हैं घर आके सोचते रहते हैं इमेजिनेशन होगी फिर उसके बाद अगले दिन होगा ये बोलूंगा मिलेगा फिर वहां गए तो बोल नहीं पाए फिर उसको तो ये कंटिन्यूअस जो लूपिंग है माइंड लूपिंग ये क्या है ये कहाँ फिट होती है इसमें ये उन लोगों के साथ ज्यादा होती है जो सेंसिटिव होते हैं जैसे आपने कहा जब आज क्या हो गया है कि हम अपने लाइफ में इतने सेंसिटिव और ओवर सेंसिटिव हो गए हैं कि हम छोटी सी बात को बहुत अंदर ले जाते हैं बहुत डीप हर्ट हो जाते हैं और उस हर्ट के वजह से हम उस बात को चाह कर भी नहीं निकाल पाते हैं तो जब हम अपने आप को समझते हैं जिससे मेडिटेशन में आप कर जब बैठते हैं तो सबसे पहले स्वयं को समझते हैं अपने मन के पैटर्न को समझते हैं मन कैसे चलता है इंटेलेक्ट हाँ। या थर्ड आई कैसे होती क्योंकि आप हर चीज यहाँ पे काम कर रहे हैं तो जब आप इसकी गतिविधियों को समझेंगे कि ये लूप क्रिएट तो हो गए तोड़े कैसे क्रिएट करना तो बहुत आसान है आप एक नेगेटिव थॉट किसी के लिए क्रिएट करें आप चाहें या ना चाहें कहीं ना कहीं आप उसको मुख से जरूर बोलेंगे हुँ। हुँ। तो हम अंदर जो भी क्रिएट करते हैं वो अंदर हमारे एक केमिकल रिएक्शंस क्रिएट करता है क्योंकि हमारे अंतर मन को डिफरेंस नहीं पता होता है इमेजिन और रियल जब एक माँ सोच रही होती मेरा बच्चा घर नहीं आया है जरूर उसका एक्सीडेंट नहीं हो गया हो तो वो अंदर से फियर क्रिएट करती है और वो वो केमिकल्स उस वक्त जी रही होती है जब बच्चा फोन उठाता है तब उसकी मम्मी उसको, उसको डांट रही होती है जैसे कि उसने बहुत बड़ा क्राइम किया क्योंकि वो उस फीलिंग्स को फील करके थी? उस केमिकल्स को उसका मन नहीं समझ पाता है। ये रियल हुआ है या इमेजिन हुआ तो हमारे इमेजिनेशन को स्टॉप करने का भी अंदर एक बटन है पॉज करने का भी बटन है डिलीट करने का भी बटन बटन है और उसको रीडायरेक्ट करने का भी एक है। तरीका है तो वो तरीका करने के लिए आपको बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ती है जिसे कहते हैं स्व से बात स्व से बात अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ कॉन्वर्सेशन वो एक मेडिटेशन का एक तरीका है जहाँ आप डिटेच ऑब्जर्वर बन अपने ही सीन को समझकर फिर उसको चेंज करते हैं hmm. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आ, सिंड्रेला की मूवी देखते हैं hmm. तो सिंड्रेला के दो अगली सिस्टर्स हैं। hmm. तो सिंड्रेला एक एक्ट्रेस है अगर wow. आपको वो रोल दे दिया जाए uh. आपने सिंड्रेला के कपड़े पहन लिए uh. आपके दो फ्रेंड्स अगली सिस्टर का रोल कर रहे हैं हाँ। कि आप झाड़ू मार रहे हैं और वो डर्टी बूट्स लेके चल रहे हैं हाँ। तो जब हम वो स्कूल कॉलेज में ऐसे प्ले करते थे हाँ। तो हम हंसते थे कि हाँ हमारी हाँ। फ्रेंड चली गई है अब मुझे ये सीन करना है फिर मुझे कहना है भगवान मुझे कितना तंग कर करे तो हम अंदर से क्या हो रहे हैं खुश हाँ। और बाहर से हो रहे हैं प्ले कर रहे हैं लेकिन जब हम भूल जाते हैं कि हम सिंड्रेला नहीं हम ये कैरेक्टर नहीं है हम अपने आप को सिंड्रेला ही समझने लग जाएं, तब वो अगली सिस्टर के जो दो बूट्स के निशान हम वहाँ देखते हैं तो हम बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं तो हम अपने लाइफ में ये भूल गए कि हम तो आत्मा हैं हां <laughs> और यहां ये से तो से, हमारा शरीर है अब यहाँ से हम टर्न लेते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर कि जो सॉल्यूशन एक तो जो हमने बात करी थी कि जो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन इनका सॉल्यूशन ऑब्वियसली मेडिकल साइंस डेवलप होती जा रही है डिफरेंट डिफरेंट की मेडिशंस डेवलप करती जा रही है लेकिन अब जो है हमारी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की एंसियन सिविलाइजेशन जहाँ हमारे ऋषियों ने इस माइंड कंट्रोल को कितना ज़्यादा वैल्यू दिया और इसमें मास्टरी हासिल की इतना इवॉल्व किया हज़ारों स्क्रिप्चर्स लिखे तो अब आप ये बताइए कि जैसे आज जो है कई लोग जो है ना जब वेस्ट में आते हैं तो वेस्टर्न बनने की कोशिश भी करते हैं तो वो अपनी इस नॉलेज सिस्टम को वैल्यू नहीं देते हैं नहीं। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि इस जर्नी का कि अब इसको जोड़िए कि हमने प्रॉब्लम्स की तो बात करी कि बहुत स्ट्रेस एनजाइटी डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स हैं अब सोल्यूशन मोड में आके बताइए कि मैं स्ट्रेस्ड हूं मैं आपके पास सीधे बोल रहा हूं कि मैं स्ट्रेस हूं अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं स्ट्रेस हूं एनजाइटी है डिप्रेशन है और सुसाइडल होता तो थोड़ा बहुत मुझे पता रहेगा लेकिन मैं अगर ऐसी स्टेज में हूं आज मैं इस टॉक को सुन रहा हूं तो आपने जो शुरू के सिम्टम्स बता दी अब मुझे सोल्यूशन की तरफ ले जाइए कि मुझे क्या करना चाहिए यहाँ से पहली बात मुझे पहचानना है अपने आप को कि मैं किस लेवल पे हूँ और फिर सोल्यूशन क्या है इसका सबसे पहली बात तो आज एक बात समझे अगर आप एना रहे हैं और आप बाहर रहते हैं हाँ। और आप ढलना चाहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन में तो इंडियन होना आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है क्या बात है इसके लिए तो तालियां तालिया <laughs> आज अगर कोई कहे कि मैं इंडियन हूँ हाँ। और वो एक अपना हुनर चाहे आईटी हो चाहे हीलिंग हो चाहे हाँ। मेडिटेशन हो हाँ। वो आज एक बहुत बड़ी सम्माननीय चीज है तो पहले अपनी वैल्यू को समझे कि आप इंडियन हैं तो आप बहुत बड़े ब्रांड ब्रांड हैं। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी <laughs> so really nice. फिर फिर हमारे जो पूर्वज थे हमारे जो कल्चर है hmm. हमारा जो नॉलेज है hmm. वो इतना पावरफुल है कि हमारे ऋषियों को क्या नहीं पता था hmm. हमारे ग्रंथों में क्या नहीं लिखा गया है जो hmm. आज ये नहीं आविष्कार कर रहे हैं तो ये इनके ग्रंथों में तो कुछ है ही नहीं क्योंकि इनके पास कोई ऐसी नींव ही नहीं, नहीं है नहीं नहीं। वो बिचारों के पास तो कोई आधार ही नहीं है आ, तो इसीलिए वो बिचारे जो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं अपने आप को कई चीजों में इसीलिए बीमारियां बहुत इजीली आती हैं हमारे पास तो नॉलेज है अब हम ना इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं इसीलिए हम ज्यादा परेशान और स्ट्रेस्ड हो रहे हैं इसीलिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स है और प्लस हमारे कल्चर में मेंटल हेल्थ को इतना वैल्यू नहीं दिया गया नहीं है स्पिरिचुअल वेलबींग well के नाम पर हम भक्ति करते हैं स्पिरिचुअल हाँ, वेलबींग हाँ. well के नाम पे हमको लगता है हम बहुत ही हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर आपने देखनी है तो हिमालय के चोटी पे जाके देखें वहां स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको समझ आएगी हाँ. कि रिद्धियां सिद्धियां अपने अंदर की शक्तियां जागृत करना इतना हाँ. आसान है हाँ. क्योंकि ये हमने कई सालों से और कई पुश्तों से हमने किया है लेकिन जो हम भक्ति करते हैं उन भी रिचुअल्स में बहुत पावर है हाँ। इसीलिए हर इंडियन का घर बहुत शुद्ध होता है तो अगर आप बच्चे हैं और आपको लगता है कि ये क्या घंटी बजाते हैं हर चीज का मतलब समझें मतलब और फिर करें हर यज्ञ का मतलब समझे आज मेरी ही क्लाइंट्स अपने ही इंडियन कल्चर के शब्द लेकर अपने बड़े बड़े कोर्स चला रहे हैं <laughs> बहुत बड़े बड़े उनके ऑर्गेनाइजेशन चल रही कहाँ चल रही किस चीज से आप ही के अपने कल्चरल नींव से उन्होंने चीज़ें निकाली है चाहे वो शक्ति की डांस हो चाहे वो योग क्रिया हो चाहे वो कुंडली हो ये नॉन इंडियंस की बात, कर की बात। जो हमारे है, है बड़े बड़े हो चाहे कल की हो ऐसे ही नामों से इनके बहुत बड़े -बड़े मेरे ही अपने कितना चला रहा है पिछले पांच साल पहले कहीं दिखता नहीं था आज तो मतलब कोई शॉपिंग सेंटर नहीं कोई एयरपोर्ट नहीं जहाँ रिचुअल नहीं दिखती बिल्कुल देखिए कितना बड़ा वो आप बोले ब्रांड है तो आप आपको अपनी पहले तो कल्चर को समझना है कि आज आप नंबर वन पर हैं हाँ। अगर क्योंकि आज ऑथेंटिक कोई खाना जो बनाता हो हाँ। स्क्रैच से हाँ। वो सिर्फ आप हैं ठीक है पूरी हाँ। हाँ। <laughs> <थी। laughs> दुनिया में वो खाना कोई नहीं बनाता है बाहर से खरीद के रेडी खाते हाँ। हाँ। हैं चाहे वो टिन से निकाल के खाएं हाँ। लेकिन आप जैसा खाना सब नहीं बनाते मुझे याद है भगवदगीता के ही एक चैप्टर में एक चीज कहा गया कि तीन घंटे से ज्यादा पुराना रखा हुआ खाना जो है उसको नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो फिर सात्विक खाना नहीं होता नहीं। है और यहाँ तो फ्रीजर में पड़ा हुआ है हाँ, बिल्कुल देखें तो वो कल्चर और हमारे इंडियन लोग ही बस अभी हाँ। आईटी के बंदे अब मैं कभी कभी मिलता हूँ मुझे ताजुब होता है हस्बैंड वाइफ दोनों यंगस्टर्स है हाँ। और उनको खाना बनाने में स्ट्रेस है और बोलते हैं कि हम पूरे वीक का जो है वीकेंड में बना लेते हैं आ, सात्विक वन का बहुत बहुत पुण्य है जब हाँ। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मोस्टली वो इसलिए आते हैं क्योंकि मैं सात्विक भोजन बनाती हूँ <laughs> स्वाद नहीं होता है उसकी शुद्धता भी होती है भी होती है तो जब हम अपने आप को समझते हैं जैसे मैंने कहा अपने असली स्वरूप को समझे कि हम कौन है ये हमारे गीता का पहला चैप्टर है कि मैं आत्मा हूँ भगवान ने कहा है भगवान ओ वाच्य है कि मैं आप कौन है तो एक आप आत्मा है अपने आप को समझना है अपने मन को समझना है तो मन बुद्धि संस्कार ये तीन आपकी फैकल्टीज होती हैं मन को इसीलिए मन के ऊपर हमने इतनी डिस्कशन की क्योंकि ये आपकी एक फैकल्टी जैसे अगर आपके अकाउंट्स डिवीजन है तो सारा अकाउंट्स वो संभालेंगे अकाउंट गलत नहीं हो सकता ना। टैली तो होगा ही सारा का सारा स्टॉक आपका अकाउंट्स क्योंकि लास्ट में जब सी ए आएगा तो सारी चीजें मैच करनी चाहिए क्योंकि अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है तो आपके मन में अगर प्रॉब्लम्स हैं, इलनेस है, है यानी कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं हाँ। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है डर लग रहा है ये सब क्या है नेगेटिव थिंकिंग no, no, जो भी नेगेटिविटी है ये आपके मन की बीमारी मन की बीमारी मन के रोगों को समझना ना कि उसको ये कर देना चलो आता जाता रहता है अरे हो जाता। क्यों आया है hmm. बैठकर उस चीज से बात करें hmm. कि कोई चीज से डर लग रहा है hmm. क्यों डर लग रहा है किसी चीज से फोबिया है hmm. कि प्लेन से नहीं जा सकते या ये नहीं कर सकते क्यों हो रहा है hmm. तो वो चीज मन से बैठ के बात करें या किसी एक्सपर्ट से बात करें एक्सपर्ट hmm, से बात करें मतलब सीधी बात ये कह रहे हैं कि मैसेज दे रहे हैं कि छुपाओ मत नहीं प्रॉब्लम है कुछ भी हो रहा है तो अपने पार्टनर को बताओ अपने दोस्त को बताओ छुपाओ बिल्कुल मत छुपाओ तो नहीं पर सुनो भी सुनो भी सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है दूसरे को मान देना भी इम्पोर्टेंट है उसकी प्रॉब्लम्स को हमारा मन कंक्लूजन पे बहुत जल्दी जम करता है खासकर इंडियंस का हम सोचते हैं हाँ वो बहाना बना रहा होगा <laughs> अरे वो तो ऐसे ही बोलता है जरूरी नहीं।, नहीं उसका पेट दुख रहा होगा हाँ। मगर ये हम चलता है का एटीट्यूड हमको चेंज चेंज करना करना पड़ेगा पड़ेगा अब के हिसाब से जो स्क्रीन एज है उस स्क्रीन एज में मन की बीमारियां ज्यादा ज्यादा है बहुत बहुत क्योंकि आपके अंतर मन को डिफरेंस नहीं पता होता है इमेजिंडियल और, और आप कॉन्स्टेंटली स्क्रीन चेंज कर रहे हैं कहीं खुशी कहीं डर कहीं आप एकदम हाँ। ही आसमान में उड़ रहे हो तो कहीं आपके ऊपर भूत कूद रहा है इस तरह के आपके स्क्रीन कांस्टेंट चेंज हो रही है उस तरह के केमिकल्स आपके सारा दिन बन रहे हैं ब्रेन में, में और बॉडी में तो आपका मन की स्पीड भी बहुत है और आपके अंदर केमिकल रिएक्शंस भी बहुत, बहुत, हो रहे हैं और हंसी खुशी उदास भूत सब कुछ आ रहा है अब इससे कैसे आप क्लियर करेंगे एकदम से तो ये मन की इलनेसेस नेक्स्ट लेवल पर जाने ही वाली है इसीलिए हम जितना ज्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे यानी कि जंप टू द कंक्लूजन लास्ट अपने मन को चुप कराना आना चाहिए जो वेन यू आर लिसनिंग योर असनर यूर नॉट अ स्पीकर दीकर जो हमारे काउंसलिंग में हम सबसे पहले करते हैं कि हम कंसल्टेशन में सुनना है अगर मैं हाँ। सुनूंगी नहीं मेरे क्लाइंट को और हाँ। पहले ही जंक जंक कर, कर दूंगी तो कर था। था। पे तो, मैं तो जो फिर फिर फायदा है जो जैसे इंडियन में में घर बैठा हूँ आपका जो पहला है कि बैठो अपने साथ समझ लो और उसके बाद समझो क्या हो रहा है अपने मित्रों को बताओ अपने फैमिली को बताओ हुआ है फिर इसके बाद जो हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें जैसे भक्ति जो है सबसे बड़ा पार्ट है तो मतलब वो कौन से स्टेप हैं जो मुझे अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट करने चाहिए एक के बाद एक अगर मुझे ये सब चीजें हो रही हैं जी सबसे पहले तो समझे कि मंत्र हुँ, जाप हुँ, इसका बहुत बड़ा एक क्या कह सकते साइंस है जैसे हाँ। बुद्धा ने बैठकर तो गौतम गौतम ने बैठ के एक दिन सोचा कि मेरे ही शरीर से मैं मोक्ष तक पहुंच सकता हूँ उसने सिर्फ अपनी ब्रेथ पकड़ी कि ये सांस आती है और जाती, है। और इसी को मैं देखने लग जाऊ और उसने फिर एक उसी देखने आती जाती सांस को ना चेंज करते हुए उसने उस पे खाली फोकस किया कुछ भी नहीं किया शून्यता तक पहुंचा ऐसे ही बुद्धिस्ट बैठकर मंत्र जाप करते हैं वैसे ही हमारे यहाँ पे तो पोथियां लिखी गई है मंत्रों पे क्या कम है और हर मंत्र के वाइब्रेशंस आपकी कुंडलिनी को अवेकन करने के लिए है जो हमारे क ख है पूरे आ, के पूरे आ, हर शब्द से आपके ही चक्र अवेकन होते हैं होते हैं इतने पावरफुल आपके कख हैं है सोचिए हमारा जो नॉर्मल एबीसी ही इतना पावरफुल है अगर हम उस चीज को समझ सके परख सके आ, तो हमारे वाइब्रेशन क्या नहीं हो सकते आ, तो हम जब अपने ही नींव में जाते हैं भले आप एक ओम का ही जाप करें हाँ, थोड़ी देर बैठकर कर हाँ, जब आप ओम का ही जाप इस तरह करते हैं कि अपनी नाभि से ब्रेथ ऊपर लेकर लेकर आए जब हाँ, तो आप इन करें तो आप विजुअलाइज करें पैरों से ब्रेथ ऊपर पीछे से आ रही है फ्रॉम द बैक ऑफ योर बॉडी और जब ब्रीद आउट करें तो आप अपने आगे से उसको श्वास को लेकर जाए ब्रीद इन पीछे से और ब्रीद आउट आगे से और ओम का जाप करें ओम का जाप करें टू मिनट्स आपके वाइब्रेशन आपके मन की स्थिति आपका रूम इनफेक्ट आपकी विजन सब कुछ चेंज हो जाएगी चेंज हो जाएगी इतना पावरफुल एक मंत्र एक है एक मंत्र है अगर आप हनुमान का जाप करते हैं हाँ। तो आपके अंदर वो शक्ति ही अलग है हर चीज जब आप विजुअलाइज करते हैं तो विजुअलाइजेशन में एक पावर है अब जैसे हमने मन की बात की तो ये तो थॉट्स हो गए तो आप जो कर रहे हैं बोल रहे हैं उच्चारण कर रहे हो सुन रहे हो ये तो वर्ड्स हो गए थॉट्स हो गए लेकिन इसके साथ आपकी थर्ड आई यानी आपकी इंटेलेक्ट जो होती है उसको शुद्ध कराना है तो वो आपकी सबसे पावरफुल चीज है विजुअलाइजेशन जब आप हनुमान का जाप करते हैं या किसी देवी का जाप करते हैं उसको करें और आपके आप अगर डायरेक्टर हो जैसे आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप अपना कितना खूबसूरत डायरेक्ट करेंगे अच्छे से अच्छी जैसे जस्ट जस्टर कितनी हाँ। सुंदर जगह पे ले जाता था हाँ। इतना प्यार से दिखाता था लव स्टोरी को भी इतना खुशी इतना सुंदर तो वो उसका

अभी भी एक तबका ऐसा है जो इनको केवल इन चीज़ों का ऐसे सोचते हैं कि ये सुपरस्टिशियंस हैं ये क्या पुरानी बातें कर रहे हो मंत्र पढ़ो तुम स्ट्रेस्ड आउट से डॉक्टर के पास जाओ ये करो वो करो तो

रिक्वेस्ट कर रहे हैं कॉन्टेंटली तो भगवान को वहां पर आना ही पड़ेगा क्योंकि लोग उसको और जो भगवान को ना मानते हो बड़े भी है मेरे साथ तो वहां भले मंदिर में चले या बैठे जहाँ पर आप ना भी मांगे आप ना माने लेकिन वहां बैठ कर जो एनर्जी आप एब्सॉर्ब करे आप एक स्पॉन्ज की तरह होते हो आप उस एनर्जी को अंदर कंज्यूम कर लेते हो अच्छा आप नहीं भी मानते हैं तो आप शक्ति को मांगते हैं अपनी ही सेल्फ शक्ति को या हायर पावर को मानते हो यूनिवर्सल पावर को मानते हैं तो हमारे ही धर्मों में ग्रंथों में एनिमल्स को कितना मान सम्मान दिया गया है, है प्रकृति को कितना सम्मान प्रकृति माँ जिसमें से गंगा से कौन हमारी सीता मैया निकली हाँ। है कितनी अच्छी अच्छी हाँ। हमारे किसके जटाओं में से गंगा तो भले आप ना मानो लेकिन आपको स्ट्रेस हो रहा है ना तो आप झाड़ों के पास जाके बैठ जाए जो वृक्ष बहुत पुराने हो पार्क में जिसके पास बैठ कर जिसकी छाओ में आपको बहुत अच्छा लगता है जो हमारे ऋषि करते थे जब उसके आप जड़ों में बैठते हैं तो हमारे जो प्रकृति है इसमें एक नेचुरल मेचोरिटी और नेचुरल इसका कम्युनिकेशन वाइब्रेशन लेवल है जब हम उसके पास बैठते हैं और वो देखता है कि ये जो है ना वो नेचुरली सींचती है तो जब वो देखता है कि इसमें ना एनर्जी लेवल थोड़ी कम है क्योंकि वो तो एनर्जी से देखते हैं इसमें तो एनर्जी बहुत डिप्लीटेड है वो आप में अपने आप ऊर्जा भरना पैरों से शुरू कर, कर देती है तो वो हर चीज क्यों अच्छा लगता है पार्क जाके या किसी बीच पे जाके क्योंकि नेचर हमें माँ की तरह ना अपने आप ही हील करना शुरू कर, कर देती है हाँ जी तो वो हीलिंग नेचुरल है अगर आप कोई भी चीज नहीं मानते मदर अर्थ में तो रह ही रहे हैं हाँ। उसी को मान लो आकाश के नीचे रह रहे हैं उसी, उसी को, थोड़ी को मान दे लो। देख लो तो, तो, तो हमारे तो जो वेद है ऋग्वेद में उसमें तो जो पांच शक्तियां हैं जो पांच जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हीं को ही पूजा करते तो थे वो तो बहुत, तो बहुत, ही नेचर की जो पावर है नेचर की पावर्स की ही पूजा की जाती है अग्नि हो हो हाँ, सी बात देखिए हाँ, सी में जाके डुबकी लगाना इन लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है हाँ, सोल्टी वाटर से उनकी हाँ, नेगेटिविटी चली जाती है हमारे ग्रंथों में तो कितनी रिवर्स रिवर्स के यूनियन पे जब तीन नदियां मिलती हैं या है यात्री जाते हैं गंगोत्री जाते हैं तो ये सब क्यों माना जाता है क्योंकि ये चीजों में सचमुच बहुत शक्ति है हाँ। इनसे नहाना उनसे अपने आप को शुद्ध करना आपके वाइब्रेशंस जैसे कि आपके और पे अगर आपने कुछ नेगेटिविटी पाल ली है हाँ। तो वो वॉश आउट हो जाए तो आप है। एक तरह से ये कह रहे हैं कि धार्मिक अगर होना है अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन है तो थोड़ा सा अपने कल्चर की तरफ मुड़ो थोड़ा सा जिसको आप दकियानुषी या सुपरस्टिशंस कहते हैं उस धार्मिक पाथ को पकड़ो उस स्पिरिचुअल पाथ को पकड़ो उसमें बहुत पावर है और उस चीज को समझ के करो हाँ। आंख बंद करके ये नहीं कि भाई सब लोग पूजा में बैठे हैं हर बच्चा बोर होके चला जाता हम भी बोर होते थे हाँ। लेकिन जब हम उस चीज को अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि इस आ, मंत्र का क्या मीनिंग का है इस यज्ञ का क्या कारण है उस पूजा से क्या हुआ है वास्तु का क्या मतलब है आ, जब हम उस चीज पे आज रिसर्च कर रहे हैं जब मैं आज लोगों के घर हाउस और लैंड क्लियरिंग के लिए जाती हूँ तब तो मुझे पता है कि उस हर एक शब्द के पीछे कितना पावर है प्रकृति में क्या पावर है वृक्षों से कैसे पावर ली जाती है या एंजल्स क्या होती है ये हमारी जो शक्तियां हैं देवियां हैं या देव है इनको कैसे आवाहन करते हैं शिव हाँ, सेल्फ क्या है तो ये सब चीजें फिर शब्द नहीं रहते ये आपकी रियलिटी तो ये जो, है। ये जो जो आपका आपका अगर आप अपना जो काम करते हैं और इतने सारे पेशेंट से देख तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है आपको ये लगता है कि ये ईस्टर्न विजडम की तरफ जा रहा है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा और ईस्ट वाले वेस्ट की तरफ जा रहे हैं ये बहुत बड़ी गलती है नहीं, जाना चाहिए थोड़ा बहुत ओपननेस मैं भी चाहूंगी कि इंडियन कल्चर से आ, जो हमारे एक बंदिशें कहीं है थोड़ा सा ओपननेस लाए कुछ कुछ कल्चर में डिफरेंस लेके आए थोड़ा आ, सा ओपननेस हो मेंटल हेल्थ को थोड़ा आ, सा और इम्पोर्टेंस दें बच्चों को इक्वल जैसे हम समझते हैं ना यहाँ पे आ, वो होना चाहिए बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए बहुत म्यूचुअली हस्बैंड वाइफ में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और जो हमारा इनर सर्कल है उसमें मास्क नहीं उसमें प्यार होता चाहिए तो ये थोड़ी बहुत चीजें यहाँ लोग प्यार से ही शादी करते हैं जिससे प्यार नहीं है उसको दो मिनट में छोड़ देते हैं वो भी प्यार से छोड़ देते हैं <laughs> सही है सही है <laughs> है ना तो वो चीजें अच्छी है कि वो दुखी नहीं रहना चाहते मैं इसमें ये तो नहीं होऊंगा कि छोड़ना <laughs> क्योंकि हमारे यहाँ तो सात जन्म का साथ, होता है ये अलग बात है कि प्रे करते यही सातवा जन्म हो <laughs> ओ, अब ये ये जो हमने जर्नी शुरू करी कि हाँ स्ट्रेस एनजाइटी डिप्रेशन सुसाइड ये जो चार स्टेप हैं ये हो रहा है किसी को फील हो रहा है तो हमने कहा कि अपने घर में बैठो शुरुआत करो अपने धार्मिक होने से मंत्र पढ़ो मंदिर में बैठो अपने ग्रंथों को पढ़ो थोड़ा सा समझो और उसके बाद अगर कोई आदमी इस जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाना चाहता है तो वो

अगर आपको अपनी वाइब्रेशन ऊपर उठानी है तो कई तरह की चीजें हैं जो सत्य होता है वो ज्यादातर hmm. फ्री मिलता है hmm. <laughs> जो चीजें फ्री मिलती हैं जैसे कि पार्क में जाके बैठे हैं झाड़ों के नीचे uh. वो बातें करती हैं और अगर आप ओपन रहेंगे तो वो आपको तो बहुत कुछ सुनाएंगी मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जो बहुत साइकिक हैं और hmm. सिर्फ वृक्षों से सीखे हुए हैं wow. इतने पावरफुल wow. तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इतने ओपन है या कितने क्लोज है दूसरा है कि आपको अपने वाइब्रेशन रेस करने के लिए अट्यूनमेंट्स मिल सकती हैं अट्यूनमेंट्स का अर्थ ये होता है कि कोई सिद्धि जैसे कोई योगी ने बैठ के कई सालों कई जन्मों तक तप वो किया है और उसको कोई एक प्रकट होकर किसी ने कोई वरदान दिया है अब वो वरदान किसी को ट्रांसफर कर सकता है तो ऐसे कई तरह की अट्यूनमेंट्स होती हैं जो आप किसी को दे सकते हैं उसमें भी बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि सब के सब जैसे कुंडलिनी की होती है आ, अब कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जो कई लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं कोर्सेस के मैं उसको रिकमेंड नहीं करती हूँ ज्ञान जो सत्य होता है और जिसका भाव है कि आपको कही न कहीं ना कहीं हील करना है आपकी हुँ. मदद करनी है वो ज्यादातर मुफ्त या बहुत इतना एक्सपेंसिव नहीं मिल सकता यूट्यूब भरा हुआ है <laughs> हाँ मगर अट्यूनमेंट के लिए सही गुरु सही सिद्ध गुरु जिससे आपको अंदर से फील हो के हाँ मुझे इससे सिद्धि लेनी, सिद्ध लेनी है उससे आपके वाइब्रेशन बढ़ते हैं उसमें कई तरह की सिद्धियाँ हैं आप एंजल से कनेक्ट होना चाहते हैं उसकी अलग सिद्धि होती है कुंडलिनी अवेकन करना चाहते हैं तो उसकी अलग रेखी होती है अगर आप जैसे कि बहुत ट्राइब्स जो होते थे अफ्रीका पेरू इस तरह के हमारे बहुत ही ट्राइब्स से तो उनकी अलग सिद्धियाँ होती हैं मोनकाय है राइट्स ऐसे कई तरह के राइट्स होते हैं रिचुअल्स होते हैं और हमारे ही इंडिया में कई तरह के लामा फेरे जैसे होते हैं जो बुद्धिस्ट होते हैं वो बहुत आप है तो सब इंडिया ही है नहीं। आ, नहीं 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 है, है। और वहीं वही से नहीं। आए हुए हैं तो उनके भी कई तरह के तांत्रिक सिंबल्स होते हैं जो भी हमको हेल्प करते हैं तो कई तरह की, की चीजें हैं जो हमको नजर से बचाती हैं प्रोटेक्शन शील्ड्स हैं नमक रख लेना ये सब चीजें कई तरह की चीजें जिससे हम अपने नेगेटिविटी कम करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी धरती पर जैसे कहें महाभारत हुई थी अब वो युद्ध भूमि है उस भूमि में कितने लोग मरे हैं, ऐसे ही ये भी जगहों में घर तो बन गए हैं लेकिन हो सकता है इस लैंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो इसके नीचे बहुत सारा नेगेटिविटी हो तो वो नेगेटिविटी हमारे शरीर पे हमारे मन पर असर करती है कितना असर करती है कई लोग बोलते हैं जो नेगेटिव थॉट होता है दस गुना ज्यादा होता है पॉजिटिव थॉट से क्या आपका क्या असेसमेंट है होता तो बड़ा पावरफुल है इतना मुझे पता है मेरे पास एक आती थी 11 साल की लड़की जो सुसाइडल थी तो उसकी मम्मी काफी परेशान थी मेरे पास ले आई उस बच्ची को जब मैं मिली तो मैंने परखा कि वो बच्ची का कंसल्टेशन में कि वो बच्ची बहुत स्पिरिचुअल है वो इतनी स्पिरिचुअल है कि वो लोगों को और से पहचानती थी कि ये इसका और बहुत ही ब्लू है यानी बहुत ही वो परेशान है दुखी है और इसका और येलो है तो ये बहुत पॉजिटिव है तो जब किसी का और ब्लू होता था डल होता था तो वो इतनी उसका दिल मतलब मतलब इतना काइंड उसको लगता था कि मैं इसका दुख ले लो तो वो लोगों का ना बात करते वक्त दुख ले लेती थी ऐसी थी ऐसी वो स्पिरिचुअल काफी तो अब उस बच्चे को मैं समझ तो ली या फिर उसको मैंने हीलिंग शुरू की मगर उसके घर की एनर्जी में एक ऐसा पोर्टल उसके हीलिंग में मुझे दिखा जो नेगेटिव था जिसमें से नेगेटिव एनर्जी उसके घर आ सकती थी तो मैंने कहा वो पोर्टल को क्लोज करना पड़ेगा तो वो पोर्टल को जब हमने क्लोज किया उसके लिए पर कुछ रिचुअल्स किए तब वो वो पोर्टल जब जब बंद हुआ उसके घर की लाइट्स हमेशा फ्लिकर करती रहती थी तो जब हमने क्लियर किया तो वो बच्चा इतना खुश और इतनी हेल्दी दूसरी बार जब मेरे पास आई थी उसने राज योग का कोर्स सीखा छोटे से ग्यारह साल के बच्चे वाँ, ने वाँ, वाँ। और वो बताने लगी कि जब मैं शिव से बात करती हूँ जब मैं तो उसको नूर दिखता है ना लाइट दिखती है तो वो कहती थी इतनी लाइट मुझ और जब वो दृष्टि लेती थी दृष्टि अर्थात जब हम सोर्स के साथ परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर किसी को देखते हैं तो परमात्मा को एक माध्यम मिल जाता है उस बच्चे को कनेक्ट करने के लिए तो जब वो लेती तो उसकी आंखों में से आंसू बहते रहते बहते वाँ। रहते वाँ। <laughs> उसके कारण उसकी माँ ने भी पूरा ज्ञान दिया राजयोग का और वो दोनों ही आज इतने खुश और इतनी वो बच्चे का तो डिप्रेशन तो कोई दूर की बात है इनफैक्ट वो बच्ची इतनी पावरफुल और में है आज तो घर की वाइब्रेशन से इस तरह के नाइट मेट्स आना या नेगेटिव और कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं वो देखते हैं बचपन में ऐसे कई हमारे पास ही आप सुनने वालों में भी कई लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस होंगे कि हमको कुछ नेगेटिव महसूस हुआ मगर हमारा अंतर मन को हम बोलते सप्रेस कर दो कि हमको नहीं वो एक्टिव करना है वो हमको बड़ा डराता है तो कई लोग ऐसे सेंसिटिव होते हैं उनको महसूस होती हैं तो जब अगर महसूस होती हैं तो उसकी ट्रेनिंग लीजिए उसको अच्छी तरह किसी चीज चीज से डरिए मत अगर कोई नहीं आती है और उस चीज से डर क्रिएट होता है तो सबसे पहला आपका काम है कि समझे कि ये स्किल मेरे पास अगर है तो कोई कारण की वजह से ये गिफ्ट मिली गई है इस गिफ्ट को कैसे मैं समझ के यूज करूँ उस चीज को यूज करें लेकिन उसको अच्छी तरह ट्रेनिंग दे तो मतलब एक तरह से जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप ये कह रही हैं कि अगर कोई आदमी स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन फेज से गुजर रहा है तो आपने कुछ अच्छी बातें बताई कि आप पहले एक्सप्रेस करो उसको समझो अच्छे से अंडरस्टैंड करो अपने फैमिली में बताओ अपने उस इनर सर्कल में बताओ बात करो फिर उसके बाद ये ओम जाप है और बाकी जो चीज़ें घर में जो पूजा पाठ करना है थोड़ा सा धार्मिक या स्परिचुअल हैंड को पकड़ो फिर धीरे धीरे अपने आप को स्परिचुअल जर्नी में आगे लेके जाओ ये ये कह रहे हैं और किस पॉइंट पे आदमी को जो है ना और एक चीज़ जो मुझे इससे ये भी लग रही कि आप ये कह रहे कि सब कुछ करेक्ट करना मैं अगर गलत इसको कंक्लूड uh, कर रहा हूँ कि सब कुछ अपने ऊपर ही ब्लेम मत करो कि ये जो इनर्जीज हैं हमारे घर में जो इन्वायरमेंट है यो जो जिस जगह आप उसका भी इम्पैक्ट है तो हमेशा अपने को ब्लेम करना भी अच्छा नहीं है इसीलिए जब हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं हाँ, तो हम कहीं ना कहीं आधा बर्डन उन पर भी छोड़ देते हैं कि आप थोड़ा सा परक के बताओ हाँ, क्या ये सारा कुछ मेरा ही प्रॉब्लम है परिएटेड हाँ, या कोई और चीज भी हो सकती हाँ, है तो हमेशा एक फैक्टर ये रखें कई बार वो आप कहीं मूव हुए हैं और हाँ, अचानक से आपकी हेल्थ खराब हो रही है या आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है ये हो रहा है हाँ, या कहीं ऐसा हो रहा है कि किसी पर्सन के आने और जाने के बाद ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आई क्योंकि हर पर्सन जब आपके घर आता है तो कोई एनर्जी लेकर और छोड़ कर भी आता, जाता है आता, हाँ। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना इसीलिए हमारे इसमें जो रिचुअल्स में नींबू फेरना या नमक उतारना इन सबका बहुत रीज़न है ये जब तक हम हमारे पेरेंट्स करते थे तो हम बोलते क्या मिर्चियाँ जला के हाँ। गले में खांसी कर रहे हो हाँ। लेकिन आज जब हम उस चीज़ का मैं जब कोर्स में सीखती हूँ ये चीज़ें इतने हज़ारों देखे तब मुझे समझ में आता है कि ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है और हर चीज़ का रीज़न है हमारे कल्चर में जो भी हम सीखे हैं हर चीज़ के पीछे साइंस है साइंस है राइट्स रिचुअल्स वो हमारा एक वो चलता है ना फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन क्या हो रहा है कि जिन राइट्स रिचुअल्स और ट्रेडिशंस के पीछे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं ये बहुत पुरानी बातें हैं इनको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए छोड़ देना चाहिए और ऐसे करते करते ये चीजें पीछे छूट गई जबकि यही टाइम था जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व होगी कि हर चीज पे रिसर्च होनी चाहिए थी उसके बाद अगर कुछ नहीं मिले तो छोड़ दो बिल्कुल पहले क्यों छोड़ो उसको पहले समझ तो लो बहुत। प्रूफ करके छोड़ो कि हाँ भाई ये साइंस के बेसिस पे नहीं प्रूफ हो रही है तो ये चीज तो खैर अच्छी बात है कि जो आई सिस्टम है हमारा वो इवॉल्व हो ही रहा है आगे जब मेरी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो भी मैं अपना घर में साधना कर रहा हूँ कई बार आदमी क्या होते हैं ना कई लोग तो क्या होते हैं कि जैसे गुजरात से हैं तो एक बहुत बड़ा सेक्शन गुजरात का स्वामीनारायण सेक्स से जुड़ा हुआ है तो आप गुजराती हैं उस पर्टिकुलर रीजन से आते तो आप स्वामी नारायण जी को फॉलो भगवान को फॉलो करना शुरू कर जाते कई लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे जिनका ऐसा कुछ है नहीं हाँ। तो मतलब क्या क्या किसी सेक्ट से जुड़ना अच्छा है ये क्या आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बहुत लिए अच्छा है।, है।, बहुत ही ज्यादा अच्छा है और अगर आपके पास कोई ऐसा सेक्ट नहीं है तो आप रमा कुमारी के किसी भी सेंटर में आ सकते हैं हमारा लंदन में हेडक्वार्टर है और डब्लिन में भी सेंटर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई भी जब मर्जी आएगा तो उसे कोई ना कोई बहुत प्यार से अपना अपना कर जैसे परिवार में आया हो उतना प्यार से मिलता है तो वहां जाके तो मुझे मुझे तो कोई भी जगह पे मैं हॉलीडे में चली जाऊँ तो वहाँ मैं सेंटर ढूंढती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं घर आ गई हूँ और इतना प्यार जो मुझे लगता है कि शायद कभी कभी घर वाले भी मेरे तो बहुत प्यार करते हैं लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा मुझे प्यार वहां मिलता, मिलता तो ये है ये जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब हम भारत से छोड़े जो हमारी आज की जनरेशन है जिसमें जो फैमिली की यूनिट है वो हस्बैंड वाइफ और बच्चों तक सीमित है ऐसे में जो वो माँ बाप और जो वो कल्चर नहीं था वो ये उस गैप को ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इजीली फिल कर सकते हैं हैं उनकी जो इवेंट्स खासकर गुरुद्वारे चले जाए हाँ? गुरुद्वारे या मैं ब्रह्मा कुमारी क्यों मैं कह रही हूँ आपको क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए कुछ भी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, आपको कोई ज्ञान समझना है आपको बैठ के बात करनी है मगर ये निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं जैसे गुरुद्वारे में आपके चप्पल में चमकाकर आपको पकड़ा दी जाए आपको खाना भी खिला दे लेकिन वहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, नहीं है तो जब आप अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं कि इस तरह के भी लोग होते हैं हर जगह सिर्फ पैसे देकर ही एक्सचेंज नहीं होता है कहीं कहीं कही हम काइंडस ह्यूमैनिटी और अपनापन से भी जैसे आप मंदिर चले जाएं मंदिर में कितना प्यार से वहाँ कौन टेम्पल चले जाएं या आप कहीं भी कोई भी मंदिर चले जाएं गुरुद्वारे चले जाएं कितना प्यार से सब मिलते, मिलते हैं मिलते जुलते तो वहाँ ये नहीं है कि आपको डोनेशन देना ही है आपको ये करना ना, ही ना, ना, तो मतलब वहां प्यार से मिला जाता है और प्यार से अपनाया जाता है तो ऐसी जगहों पे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो सेवा के भाव से मिलते हैं सेवा के भाव से मिलते हैं तो मतलब एक मैसेज जो है लोगों के लिए आप ये दे रहे हैं कि मतलब एक्शन लेना है आपको आप इस फेस से अगर गुजर रहे हैं तो ये नहीं की बाहर निकलें उस सर्कल को तोड़ें बाहर निकलें जाएं मिलें लोगों से बात करें और किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का साथ लें और फिर अपनी साधना को उसके अकॉर्डिंग भी आगे बढ़े मुझे तो जो लगता है कि आप आप हर एक एक अपना मेथड है लेकिन लेकिन जब आप उनको सबको जोड़ो तो सब एक तरह से वही सेम सब, सब चाहते हैं तो मुक्ति है हाँ, मुक्ति है सब चाहते हैं कि जाने के उस तरफ भी हमारे कॉन्टेक्ट्स हो हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे यहाँ आप कॉन्टेक्ट रखते हैं अपने फ्रेंड्स हाँ, को बुलाते हैं वैसे ही आपके कॉन्टेक्ट वहां भी होने बहुत जरूरी है क्योंकि मरने के बाद तो ही जाना है जाने है जाना सही <laughs> तो वहां की कॉन्टेक्ट रखना सिर्फ हाँ। ये नहीं कि हम आँख बंद करके भक्ति करें आपकी हाँ। जो भी आप साधना यू चूज करते हैं जो भी मेडिटेशन की तपस्या आप चूज करते हैं हाँ। उसमें ये रखें कि आपका टू वे कम्युनिकेशन हो हाँ। यानी आप जब कुछ कर रहे हैं तो आपको सामने से कुछ पता भी पता चल भी रहा है यानी उस चाहे आप शक्ति से जुड़े चाहे कृष्ण से जुड़े चाहे शिव से जुड़े जिससे भी जुड़े जिस भी चीज को आप अपनाएं उस उसके पर्सनालिटी को जानते हैं कि अगर मैं ये कहती हूँ तो सामने मुझे क्या वो करेगा या वो मेरी किस तरह हेल्प करेगी तो वो पर्सनालिटी को, को उस सुपर बीइंग को सुपर कॉन्शियसनेस को समझना और उसके साथ रिश्ता जोड़ना ये आपका सबसे बड़ा एम होना चाहिए आपकी तपस्या में और उससे बड़ा एम होना चाहिए कि आपको अपने हायर सेल्फ तक पहुंचाना है। आपका संपूर्ण स्वरूप यानी आपका ही पूर्ण स्वरूप जो कहें सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा संपन्न स्वरूप जिसमें कोई विकार नहीं विकार है, नहीं है। वहां तक आपको अपने आप को लेके अगर आपकी साधना से आप में कोई चेंज नहीं है आ, आपके घर वालों में कोई आपको कोई चेंज नहीं लग रहा है तो यानी आपकी साधना गलत है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा टर्न लेता हूँ इस स्टॉक का उसमें मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपकी जर्नी जो पर्सनल जर्नी थी वो कैसी है इसमें मतलब कि आपको क्यों इतना मतलब आज आप जो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हैं आज इतना स्पिरिचुअल बातें करती हैं और थोड़ा जो हीलिंग टेक्निक है ये सब आपका कैसे शुरुआत हुई लंबी कहानी है कोई बात में हैं? बताते हैं <laughs> हाँ, ठीक है <laughs> तो सबसे पहले तो मैं जब आयरलैंड आई तो मेरी बेटी थी ग्यारह महीने की और मैंने ये इंडिया से नहीं मैंने आयरलैंड में ही इसका ज्ञान सीखा था एक दिन मैं बड़ा गुस्सा हो रही थी अपनी छोटी सी डेढ़ साल के बच्चे पे तब मैंने अपने आप से पूछा कि मेरी बेटी ने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं है क्योंकि वो डेढ़ साल की है यानी ऐसा तो कोई भी उसने गलती की नहीं होगी जिससे मैं इस हद तक गुस्सा हो सकूं कि मेरे अंदर ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मैंने अपने आप से जब ये सवाल पूछा तब मुझे था कि मुझे अपने आप को और समझना है और उसके बाद मैंने टेलीविजन का आस्था चैनल चलाया मुझे बहुत अच्छा लगता था गीता सुनना या आस्था चलाना तो जब मैंने आस्था चलाया तो उसमें ब्रह्मा कुमारी का सबसे पहले आ रहा था फर्स्ट टाइम टेलीकास्टेड अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी जिसमें वो बता रहे थे शिवानी बहन के एम uh, आई आज हम ये समझेंगे हाँ। तो उस वक्त से जो मेरी जर्नी शुरू हुई क्योंकि मुझे अंदर से फील हुआ कि ये मुझे जानना था और जब मैंने वो शुरू किया जो कोर्स सात दिन लगता मुझे ढाई से ढाई महीने लगे और उसके बाद मुझे एक अंदर से भूख थी कि मुझे इसके बारे में और जानना है फिर मैंने सेंटर्स को कोऑर्डिनेट किया तब मैं लेटर के नहीं रहते थे नहीं। और फिर मैं गई डबलिन जो बहुत दूर था मुझे मोशन सिकनेस थी मगर एक पुल था आई वॉन्ट टू लर्न तब मैंने कहीं जाके रियलाइज किया कि जब मैंने वो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस किया तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होने लग गए तुरंत ही चाहे आप कहें एस्ट्रो ट्रैवलिंग हियरिंग क्लियर वॉइस आई कुड सी आई कुड हियर आई कुड फील मैं शिव को सिर्फ uh, मतलब थॉट्स में नहीं के जो एक विजुअलाइज करना है या मेडिटेशन करना है उस हिसाब से, से नहीं बल्कि मैं उसको समझने जानने और उसके साथ एक रिश्ता मेरे साथ होने लगा जैसे आप बैठे हैं वैसे हम बात करते थे और उसी तरह उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया तो सबसे ज्यादा आप सीख सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअल हैं और अगर आप काफी बिजी हैं तो आप जब सोते हैं तब सबसे ज्यादा आप सीखते हैं क्योंकि जब आप सोते हैं तब तो आप अपनी बॉडी से डिटेच होते हैं और अगर कोई आपको सिखाना चाहता है आपका डेटी या आपका गुरु या आपके गाइड्स वो आपको नींद में सिखाते हैं तो मुझे नींद में बहुत कुछ सिखाया जाता था इस हद तक के मुझे पुश किया जाता था कि अब मैं ये ज्ञान सुनाऊ मेरे पास था लो सेल्फ़ स्टीम इंडिया से आई थी तो मैंने कहा मैं सिर्फ इंडियंस को सिखाऊंगी तो <laughs> तीन महीना मैंने सिर्फ इंडियंस के लिए एडवर्टाइज़ की तो मुझे रोज़ आता था मैसेज इंडियंस को नहीं इंग्लिश स्पीकिंग मैम लो मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है मेरी तो इंग्लिश बड़ी ख़राब है तो जब तीन महीना हो गया पेशेंटली रुके रहे और उन्होंने कहा अब मैंने अच्छा ठीक है फिर जब मैंने एडवर्टाइज किया तो आप मानेंगे नहीं कि मैं सात साल नॉनस्टॉप बिजी रही तीन ग्रुप्स लेना होता था रोज एवरीडे का थ्री ग्रुप्स मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग एंड हर रोज नॉनस्टॉप बिजी रहते थे और मैं इतने बड़े-बड़े हीलर्स इतने बड़े-बड़े योगियों से मिली हूँ जो बहुत अवेकनड सोल्स हैं आयरलैंड में जिनसे मैं बहुत कुछ सीखी और कई तो पजस्स्ड एंटिटीज से भरे हुए तो मैंने ये, ये जो लोग हैं क्या ये इंडियन डिसेंट के या आयरिश भी हैं नहीं हर तरह के हर तरह के लोग, लोग हैं अच्छा आ, इंडियन से बहुत कम उस वक्त अच्छा आ, क्योंकि इंडियंस डरते थे आ, <laughs> तो मुझे पुश था कि मुझे मंदिरों में भी सिखाना है मैं बोलती थी तो मुझे बिल्कुल बाहर निकाल देंगे <laughs> मगर टाइम साइकिल जो हमारी रामायण है जो टाइम साइकिल है तो उसमें मुझे एक दिन बहुत ज्यादा पुश था कि जाके सिखाना है आपने अपने हाँ। भाइयों को पहले सिखाए तो मैंने उनको अच्छी तरह के वो सिखाया था हाँ। आधे से ज्यादा लोग तो बहुत वो थे हाँ। लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने आके कहा आपने जिस तरह वो समझाया टाइम हाँ। साइकिल हाँ। ये मुझे पहले किसी ने नहीं सिखाया तो वो मुझे एक तरह की इंस्पिरेशन लगती थी हाँ। कि जो मुझे सिखा रहे हैं वो मुझसे कराया जा रहा था मैं ये ये जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं इसको आप किस तरीके से डिफाइन करती हैं कि क्या ये साइंस है कि पूरा स्पिरिचुअलिटी है क्लिनिकल है किस तरीके से आप अपने इसको डिस्क्राइब करते हैं राज्य तो है। है। तो का बहुत सेवा कर दी लेकिन खुद की सेवा नहीं की तो उस वक्त समय आया सेल्फ सर्विस का इसीलिए मुझे ये सारे कोर्सेज चाहे क्लिनिकल कोर्सेज जो मैंने सीखे तब मैंने जाकर जब अपने ऊपर काम जब मेरे पास क्लाइंट आते थे और मुझे कहते थे कि मुझे डिप्रेशन है राज योगा से मैं उनको ज्ञान दे पाती थी कि आप अपने आप को कैसे ठीक करें लेकिन उसके लिए वो व्यक्ति को उस स्थिति में होना चाहिए कि वो अपनी मदद कर सके कई तो इस हद तक नीचे होते हैं कि उनको एक हाथ चाहिए कोई खींचे तो वो बाहर आए तो और फिर वो कहीं अपनी मदद कर सकते हैं तब मैंने आयरलैंड में आने के बाद कोर्सेस सीखना शुरू किया इंडिपेंडेंट होने के लिए और सबसे पहला कोर्स जो मेरे मेरे पास भेजा गया था मैं तो हमेशा सोर्स की बात करती हूँ कि मुझे दिलाया गया है वो हिप्नोथेरेपी था अच्छा। जो मुझे कहा गया था ये फ्री इंट्रोडक्शन कोर्स है आप आ जाए तो जैसे कि मेरे लिए फ्री था कई हीलर्स मेरे लिए आयरलैंड आए हैं जो जर्मनी फ्रांस से आए हैं जिन्होंने मुझे ऑफर किया था कि हम आपको Attunement free में देना चाहते हैं। तो मेरे लिए वो gifts थे, जो मेरे लिए लिए वो थे थे। जो पहुंचाए गए और और जब मैंने उसको स्वीकारा तब तब को उसकी शक्ति समझ आई। तब clinical और spiritual holistic, दोनों का जब पावर मिला क्योंकि हर अट्यूनमेंट से एक सिद्धि मिलती है कहीं आपको ज्यादा सुनाई देता है कहीं कुछ ज्यादा इंक्यूटिवली फील होता है कहीं किसी का ज्यादा दिख जाता है अब जैसे एस्ट्रो ट्रेवल करके पता कर लेते हैं पिछले जन्म में कहीं कोई अड़चन हुई किसी में एंटिटीज है, तो कई तरह की सिद्धियां उसमें से मिलती हैं जो मुझे लोगों की मदद करने में हेल्प करती हैं मगर क्लिनिकल ज्ञान भी बहुत जरूरी था बहुत जो, जरूरी है, उसको लिंक जो करना बिल्कुल है, हाँ। जो एन जो एनएलपी और हिप्नोथेरेपी इस तरह के कोर्सेज से मुझे पता चला फिर मैंने क्षमा ने ऐसे कोर्सेज किए जिससे और आपकी नेचर से यानी आप जिस अर्थ में रह रहे हो उसकी भी तो ज्ञान होना चाहिए ना कि प्रकृति कैसे चलती है उसका नॉलेज क्या है उसकी पावर्स क्या है तो तो अपने ancestors, अपने पूर्वजों से जुड़ना, वो सब उसमें मैंने सीखा। तो इसमें जो जो ये medical science है, ये इसको रखती है, है, इसको रखती इस इस ब्रांच को जो आप teach करती हैं, जैसे राज योगा हो गया वो वो खैर, तो वो लोग उसको उतना रिकॉग्नाइज नहीं करते बाकी हिप्नोथेरेपी वगैरह को क्या ये लोग इतना वो नहीं देते क्या हिप्नोथेरेपी इतना पावरफुल टूल है कि जैसे कि जो फार्मेसी है इस तरह का बहुत बड़ा बिजनेस है हाँ अगर आप इसको समझे तो मैं डॉक्टर पीटर के साथ काम करती हूँ जो आर्ट एंड क्लिनिक के चाइनीज डॉक्टर हैं बहुत फेमस हैं और वो अपने सारे एंटी डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं जो एंटी डिप्रेशन लेते हैं उनको मेरे पास भेजते हैं और वो बहुत ओपनली इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है जितनी हमारे पास है जो हम एक सेशन में कर सकते हैं वो से उनको समझ भी नहीं आता है कि किस चीज़ का प्रॉब्लम है तो वो चीज क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा क्लेवर और इंटेलिजेंट बींग्स होते हैं अगर वो चाहें तो वो एब्जॉर्ब करके क्या नहीं समझ सकते नहीं। कुछ इन्वेंट कर सकते हैं तो फार्मेसी एक ऐसी चीज है जो हिप्नोथेरेपी को प्रमोट नहीं करना चाहती थी क्योंकि लोग ऐसे ठीक होते छुटकी बजाय वो ठीक तो जब लोग वॉर में जाते थे और उसका हाथ कट गया है वहां पे कोई फर्स्ट एड नहीं है तो हिप्नोटाइज करके उसका ब्लड स्टॉप कराया जाता था उस वक्त हिप्नोसिस चलती थी इतना पावर है हिप्नोसिस में तो वो चीज जो आपको नेचुरली क्योर करती है आपके मन की शक्ति से उस चीज को छुपाने की बहुत कोशिश की तो इसीलिए आज जब इसको प्रमोट किया जाता है तो इसकी पावर धीरे धीरे बाहर आ रही है वो छुप तो सकता नहीं कई लोग इसको नेगेटिव यूज करते हैं नेगेटिव सजेशन दे के लोगों को रेप कर देते हैं ऐसे कई केसेस भी हुए बहुत केसेस थे ऐसे तो इसलिए लोग डरते थे कि ये चीज क्या है अब इसको जब पॉजिटिव जैसे कि अघोरी हाँ, है है हाँ, है तो शक्ति हाँ, शमन शक्ति है, हाँ, शमानिक शक्ति शमानिक हाँ, लेकिन अब उसमें से एक्सट्रैक्ट करके आयरलैंड में उसकी प्योर एनर्जी जो उसके प्योर रिचुअल है उसको रख दिया है और उसकी जो नेगेटिविटी थी जैसे चुरा अघोर का जो हमारा घोर तंत्र है उसको ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं हाँ, और हमारे लिए वहाँ लोग वीडियो बना रहे हैं कि ये लोग शमशान में मांस आते हैं करते हैं बस <laughs> मतलब वो उस साइड को बढ़ते मतलब इस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं हाँ। तो मतलब ये अच्छा तो मैं समझ में आ रहा है कि ये हिप्नोसिस और फिर राजयोग को आप कैसे देखती हैं इसमें जो राजयोग क्या ये पतंजलि योग, योग बेस्ड सिस्टम है या फिर ये जो ब्रह्म कुमारी का जो अपना राजयोग है वो है सारे योग जो है वो मनुष्य ने क्रिएट किया हाँ राजयोग जो एक अकेला योग है जो राजा है सभी योगों का राजा, जो परमात्मा ने स्वयं किया है तो एक ही ऐसा योग है एक ही ऐसी मेडिटेशन है जो परमात्मा खुद सिखाता है तो इसके कुछ क्विक स्टेप्स आप बता देंगे हमें कि कैसे राजयोग जो होता है उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें सबसे पहले आपका विजुअलाइजेशन पावर यानी आपका थर्ड नेत्र उसको क्लींस किया जाता है जब आपको अब आपको दिख नहीं रहा कि मैं कौन हूँ मिरर में देखते हो तो आप अपने आप को ये समझते हो तो आपका जो तीसरा नेत्र है ना वो धुंधला हो गया है हाँ। और आपको डिमेंशिया हो गया है अच्छा <laughs> क्योंकि आपको भूल गया है कि आप कौन है हाँ। तो सबसे पहले जब आप मेडिटेट करते हैं तो उस टेक्निक में आपका थर्ड आई क्लींस होती है जिसे विजुअलाइजेशन से किया जाता है तो सबसे पहले आप अपने आप को विजुअलाइज जब करते हैं तो अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट की तरह विजुअलाइज करते हैं खाली आपको कल्पना करना है थोड़ी देर के लिए उस ले ले तो सब चीजों पर होता है, हाँ। हाँ। है की मेरा डिजिग्नेशन हाँ। ये है मेरा क्वालिफिकेशन ये है मैं एक लड़की हूँ मैं सुंदर हूँ मैं ये हूँ उसपे आएगा अहंकार जब आप जीरो है आप स्टार है एक पॉइंट ऑफ लाइट है तो आपका सब नथिंग शून्य में आ गए तो जब आप शून्य में आ गए हैवीनेस खत्म शरीर नहीं है तब आप अपने आप को एक ऐसे अपने ऐसे लोक में विजुलाइज़ करें जो पॉइंट ऑफ लाइट या आप कहें मुक्ति धाम शांति धाम एक सुनहरे ऑरेंज लाल रंग के प्रकाश के घर में विजुलाइज़ करें अपने आप को जहाँ पे बाकी भी सब पॉइंट ऑफ लाइट ठीक है ये तो विजुअलाइजेशन हो गया और आप परमात्मा शिव को भी पॉइंट ऑफ लाइट के ही फॉर्म में विजुअलाइज़ करते हैं ठीक जब आप अपने आप को विजुअलाइज करते हैं तो उसके नूर को उसकी रोशनी को अपने जैसे कहीं ना अपने अंदर वॉल्यूम बढ़ाते हैं वैसे उसकी ब्राइटनेस बढ़ा लें और वो विजुअलाइज करें पीले रंग की आ रही है नीले रंग की आ रही है ऑरेंज रंग की आ रही है और उसमें नहाए और उस रंग को एक फीलिंग दे दे कि पीस में नहा रही हूँ सफेद रंग है बहुत ही शांत है सुख है सुख है बहुत गुलाबी रंग का है उसको आप विजुअलाइज करें और अपने अंदर भरें जब आप ये प्रैक्टिस रोज करेंगे तो शायद पहले बोर हो क्योंकि आपको खुद करना है धीरे धीरे वो आपको डायरेक्शन मिलती जाएंगी क्योंकि सामने जो दूसरा बैठा है ना जिसको आप विजुअलाइज कर रहे एक्चुअली में है, <laughs> <शिव>। <laughs> मगर उसके लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा अपने हाँ। आप मेरे बोलने पर ना करें किसी के बोलने पर कोई विश्वास ना करे क्योंकि बिलीफ आपकी पावर है हाँ। किसी के बोलने पर हम मान ले कोई चीज तो वो उसकी बात हुई आपकी बात नहीं लेकिन जब मैंने उसको एक्सपीरियंस कर लिया तब वो मेरी बात हो गई मेरा एक्सपीरियंस हो गया तो ये विजुअलाइजेशन इसके अलावा भी और भी स्टेप्स हैं इसमें राज्य हाँ में बिल्कुल आपकी सब शक्तियां जागृत कर ली हाँ। जैसे हनुमान को उसकी शक्तियां नहीं पता था हाँ। जागृत करी तो क्या नहीं कर सकता हाँ, ऐसे हाँ। आप में भी असीम शक्तियां हैं आत्मा की शक्ति को समझना और उसको जागृत करके फिर संभाल के यूज करना इसके लिए आपको पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए अच्छे से किसी टीचर के साथ बैठ के उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो क्वेश्चन अगर कोई करना चाहता है राजयोग को आगे बढ़ाना चाहता है तो इसका क्या प्रोसेस है ब्रह्म कुमारी से जुड़े और फिर वहाँ से जो उनका पूरा कोर्स है इसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है कितने दिन का सात दिन का कोर्स है हाँ, सात दिन का बेसिक को कभी कभी वीकेंड में भी सिखाते हैं इस सेंस में चाहे आप मुझे कांटेक्ट करें चाहे आप ब्रह्मा कुमारी कैथरीन को कांटेक्ट करें सेंटर आयरलैंड अगर आप डालें तो आपको वहां से भी मिल जाएंगे डिटेल्स टॉक्स होती हैं अगर आपको लग रहा है कोर्स नहीं करना है मुझे पॉजिटिव सुनना है तो कई टॉक्स होती हैं बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं जो बड़े बड़े योगी हैं ये इन्होंने अपना इन्होंने इतना अच्छा रियलाइज किया है अपने आप को कि इन्होंने अपना सारा जीवन

फोर्टी के प्लस में हो चुके हैं और दे हैव ओनली लाइक फिफ्टीन ट्वेंटी ईयर्स लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट एक तरह से जो इंडिया की एज है क्योंकि वो इंडिया में पैदा हुए उनकी बॉडी इंडिया के अकॉर्डिंग चली है तो वो सोचते हैं तो अभी क्या हो रहा है कि ऑल ऑफ सडन जैसे उन्होंने आई वगैरह के फील्ड को अडॉप्ट किया और आई में इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं कि अचानक से आपको नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है नए एप्लीकेशन सीखने और माइंड जो है उतना कोप नहीं कर पा रहा है और साथ में क्या हो रहा है कि बच्चे किसी के कॉलेज लाइफ में हैं या फिर बच्चे कॉलेज लाइफ से बाहर जा चुके हैं तो हस्बैंड वाइफ तो वो एक एक अलग ही लेवल का स्ट्रेस फील हो रहा है क्योंकि इंडिया में तो इनके आसपास एक इकोसिस्टम एक है जहां पर वो सरवाइव कर सकते हाँ। हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, नहीं है तो ये जो गैप है इसको कैसे एड्रेस किया जाए इन लोगों को कैसे मतलब आप क्या गाइड करेंगे मोस्टली मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो इसी एज के आते हैं खासकर स्ट्रेसिंग uh, क्योंकि अब उनके पास अपने लिए टाइम है hmm. तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह यूज करें कि hmm. आपके पास अब वक्त है hmm. अपने लिए अपने लिए जो वक्त है उसको सही तरीके से यूज करें चले नहीं किया बहुत टाइम नहीं किया अपने ऊपर आदत नहीं पड़ी लेकिन इसका मतलब नहीं कि आदत नहीं डाल सकते हैं hmm. अब पहली बात तो अपने आप के लिए क्या करना चाहते हैं उसके लिए एक एजेंडा बनाए अपने साथ बैठ के एक अपने आप से पूछे आपको क्या अच्छा लगता है कि आपको बचपन में बैडमिंटन खेलना पसंद था तो क्यों ना अपना फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाया जाए या आपको लगता है कि कहीं बैठ के मुझे खाली सुनना अच्छा लगता था कोई कुछ पढ़ रहा है भगवद गीता पढ़ रहा है या कुछ चैंट कर रहा है मुझे वो अच्छी लगती थी बातें कोई टॉक्स में जाना है इस तरह जब आप अपना सर्कल अपना एक्सटेंड करेंगे यहाँ के लोग हाइकिंग करना पसंद करते हैं वो ग्रुप बना के हाइक करते हैं या स्विम सर्कल्स बनाते हैं या वो लोग मून सर्कल्स या रात के लिए वो लोग लो सर्कल्स बनाते हैं जो बीच पे जाके बैठते हैं हाँ। तो इस तरह के सर्कल्स को ज्वाइन करना और कोई ना कुछ ना मिले आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो किसी ना किसी तरीके से एक ऐसा टाइम निकालें जो आपके अपने लिए हो आप उसमें बैठ के खाली अपना दिनचर्या लिख लें अपनी डायरी बना के उसको बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप कोई चीज लिखते हैं ना तो आपका एक अलग ब्रेन का साइड यूज होता है और उस चीज से आपकी क्रिएटिविटी लेफ्ट और राइट ब्रेन की जैसे अलग होती है क्रिएटिविटी आपकी होती इमर्ज है। होती है और आप जो एफर्मेश करना चाहते हैं अपने लिए वो करें ना अपने आप को स्ट्रेस मत क्योंकि ये एक अलग दौर है इस चीज को जैसे कि अगर कोई रिलेशनशिप से बाहर आ जाता है अकेला हो जाता है तो या वो ये सोच सकता है कि मैं लोनली हूँ या वो ये सोच सकता है कि मैं अलोन हूँ इलाज नहीं है वो बहुत बड़ी बीमारी है उसका मेरे पास भी इलाज नहीं है <laughs> <laughs> जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है लोनलीनेस के लिए तब मैं सोचती हूँ कि इसको किस तरह हेल्प करूँ सिर्फ दो लोगों को मैं अब तक हेल्प कर पाई थी जो लोनलीनेस के इलाज के लिए आए थे लेकिन आप उसी माइंड को चेंज करके अलोन अब मैं अकेला हूं अब मैं फ्री हूं इस चीज से पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि अब मैं कैसे इस वक्त को यूज और यूटिलाइज करूँ कि वो जो सनसेट मैंने शायद कभी नहीं देखा उसको भी एंजॉय कर सकूँ लेकिन आपके पास एक बैलेंस होनी चाहिए लाइफ में क्योंकि आपका ब्रेन अब इतना फास्ट पेज में भगाएंगे तो आप ही ज्यादा ड्रेन होंगे आपकी बॉडी ज्यादा दिखाएगी दिखाएगी क्योंकि आपकी बॉडी अलग चल रही है और आपका ब्रेन अलग चल रहा है तो हम कई बार जो होता है अपने आ, फिजिकल जैसे शॉक होता है किसी की पेरेंट्स गुजर जाए या तो ये जो फिजिकल जब हमको ट्रॉमा लगता है ना तो हमारी जो मेंटल ट्रॉमा होता है उसको तो हम उबार लेते हैं तेरह दिन बाद रोक कर हम कहते हैं चलो लाइफ में वापस चले जाएं लेकिन आपकी फिजिकल बॉडी जो होती है ना उसको बहुत देर तक जैसे वो थंडर होता है ना हाँ। जब हम लाइटनिंग देखते हैं तो एक सेकंड में देख लेकिन थंडर कई देर बाद आता है तो फिजिकल इम्पैक्ट जो होता है वो लास्ट में आपको दिखाई देता है ऐसे ही आपको लग रहा है कि आज स्ट्रेस 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 में जी लिए लेकिन उसका फिजिकल इम्पैक्ट आपके ऊपर जरूर पड़ेगा तो उस चीज को ज्यादा ध्यान देना है कि अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए स्लो डाउन लिटिल बिट फाइंड ऑल्टरनेटिव टू बैलेंस योर लाइफ स्टाइल जहाँ पे आप पॉज लेके रिचार्ज हो सके ऐसी शक्तिशाली योग या जो भी आप करते हैं जिससे आप रिचार्ज हो सके ऐसी चीज वापस ना करें जैसे कि आप जब स्क्रीन

तो नहीं ये तो बहुत बढ़िया लगा मुझे आज जो है इस तरीके की आपसे बातें करी ये तो मेरे को खुद अपने लिए अवेकनिंग है और इट्स प्लेजर टू तो बी विद यू इन द टॉक शो बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे लगता है हमारे आगे के बहुत सारे सेशन हम चलेंगे इस टॉपिक पे ऊपर जी मेरी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं योगी के लिए और थैंक यू सो मच इट्स तो सो so, so, सभी तो दर्शकों तो को धन्यवाद अगर आपको ये टॉक अच्छी लगी लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए और बिंदु जी के सारी डिटेल्स इस में जो है हम डिस्क्रिप्शन में देंगे आप उनसे कनेक्ट हुए और उनकी जो ये नॉलेज है उससे बेनिफिट लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार